आपकी पूरी किताब के अंदर कॉर्पोरेट में किसी चैप्टर को अगर सिंपल मानता हूं ना, तो वो ये चैप्टर है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। दो क्लासेस के अंदर बच्चा ये पूरा चैप्टर समझ जाता है, पूरा चैप्टर खुद करने लग जाता है। कंडीशन ये है कि वो ध्यान से देखे इसको, कंडीशन ये रहती है कि इसको ध्यान से देखना होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है, हम सबसे पहले तो, और ध्यान से देखने का मतलब क्या है कि आपको क्या समझना है इसका कोर फील्ड। कोर फील्ड का मतलब सर ये है क्या, अगर ये समझ में आ जाए ये है क्या, उसके बाद आपको समझना होगा करना क्या है, चैप्टर खत्म। हुआ ऐसा, इस चैप्टर को बनाने के पीछे लॉजिक क्या था और ये आया क्यों कॉन्सेप्ट, बहुत सारी कंपनी ना आज के टाइम पे देखोगे ना, स्टार्टअप, आज के टाइम पे देखोगे ना, एक बहुत ही वर्ड चल रहा है स्टार्टअप। सर स्टार्टअप क्या होता है, नए नए बिजनेस करने का एक आइडिया, नए बिजनेस करना चाह रहे हैं, इसको हम स्टार्टअप कह देते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये सारा स्टार्टअप जो होता है ना, इसके अंदर एक तरीके से होड़ मची हुई है, कुछ जेन्युइन भी आइडियाज हैं और कुछ कुछ भी आइडियाज हैं, बस उनको अपना बिजनेस करना है, स्टार्टअप करना है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर किसी को कोई भी अपना बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, तो अगर आपने बिजनेस के अंदर चले गए, तो आप जब बिजनेस में जाओगे तो पता है क्या समस्या आएगी, आप ना एक काम तो जरूर कर लोगे, आप ना लोन जरूर ले लोगे। एक लोन ना एक बड़ा ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे, लोन का लेना माना जाता है कि हम कुछ कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर लोन ले लोगे, लोन के साथ साथ आप उधार में कुछ यानी क्रेडिट पे सामान भी ले लोगे, और वो भी थोड़े बहुत नहीं, गवर्नमेंट ने हालांकि बहुत फ्रीडम दे रखा है कि भैया इतने का लोन दे दो, इजीली दे दो, आप कोई दिक्कत मत करो। आपने लोन ले लिया, और एक चीज सच्चाई है, देखो बहुत सारे स्टार्टअप जो है ना बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टार्टअप, आप बहुत सारी चीजें देखते होंगे, एक टीवी पे ऐड भी, ऐड कह रहा हूँ, एक आता है शार्क इंडिया, सोनी टीवी पे शार्क टैंक आता है, हाँ इंडिया में बोल रहा हूँ। तो उसके अंदर क्या रहता है, यही बताता है कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे इतने पैसे चाहिए भाई। अब वहां पे आप कभी एपिसोड वगैरह को देखना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे क्या, कुछ भी, मतलब कोई तुक नहीं, लेके आ गए यानी तुम स्टार्टअप कर लोगे। भैया सीधी सी बात है, जो चीजें जमीन पर है वो चीजें बिकेगी, और जो जमीन पे नहीं है नहीं बिकेगी। तुम फालतू वालतू की बातें करोगे तो नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कई चीजें वाकई में अच्छी चीजें लेके आते हैं, लेकिन नहीं चल पाता। अब हुआ क्या, एक स्टार्टअप की कहानी बताता हूं मैं आपको। उसने अपना स्टार्टअप किया, और स्टार्टअप करा जब, तो मैं पुरानी बैलेंस शीट दिखाता हूं उस स्टार्टअप की, कि उसका बिल्डिंग बिल्डिंग मान लेते हैं 20 लाख रुपए, शेयर कैपिटल मान लेते हैं 2 लाख रुपए, लोन मान लेते हैं 4 लाख रुपए या 14 लाख रुपए, क्रेडिटर मान लेते हैं 6 लाख रुपए, डेटर मान लेते हैं 1 लाख रुपए, और स्टॉक मान लेते हैं 1 लाख रुपए। तो देखा जाए तो कितने हो गए, 22 लाख, और इधर भी 22 लाख। एक आपको टेंटेटिव ना एक बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं मैं, एक बैलेंस शीट बनाया है, ये बैलेंस शीट है मान लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड का, एक्स वाई लिमिटेड का मान लो। इसको बंद कर दो, छोड़ दो, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ बस रहने। तो एक्स वाई लिमिटेड का है, एक्स वाई लिमिटेड के आपके कुछ एसेट्स दिख रहे हैं, कुछ लाइबिलिटी दिख रहे हैं,
और मैं बैलेंस शीट में एक और पॉइंट पुट करना चाहता हूँ, एक और पॉइंट पुट करना चाहता हूँ, एंड एड ऑल्सो भाई मैं चैट वालों का भी जवाब नहीं दूंगा, ठीक है ना? चलिए, बैलेंस शीट है। अब एक बैलेंस शीट में ना एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, 5 लाख। अगर मैं ये लॉस नहीं ऐड कर रहा था, ठीक ठाक दिख रहा था ये, लेकिन जैसे ही मैंने लॉस को ऐड किया और मैं इधर एक और पॉइंट डाल देता हूँ, बीपी 5 लाख, यानी दोनों सर 27 लाख, 27 लाख हो गए बराबर। तो आप बोल सकते हो सर इस बिजनेस के अंदर तो लॉस है, और लॉस होने की वजह से ये बिजनेस का सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा। अब जो इस कंपनी के ऑनर हैं, जो कंपनी के फाउंडर हैं, उनकी कोशिश एक ही रहेगी कि भैया इस बिजनेस के लॉस को रिकवर किया जाए। और लॉस को रिकवर करने के लिए और जिम्मेदार पता है कौन है? मान लो हम सामान को अपने कॉम्पिटिटर को सेम प्राइस पे बेच देते हैं, सेम प्राइस पे बेचने को तैयार हो गए ताकि हम कंपटीशन दे पाए मार्केट में, लेकिन इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं एक आपके माइंड में ये टेंशन, दूसरा आपके क्रेडिटर आपको परेशान कर रहे हैं, मेरा पैसा दो, तीसरा बिल्स पेबल आपको परेशान कर रहा है, पैसा दो। तो अगर आपके पास ये तीन टेंशन है ना, तो आपका बिजनेस कभी भी इस लॉस को रिकवर नहीं कर, और इनफैक्ट ये तीनों करने नहीं देंगे इस लॉस को रिकवर। तो इसका तरीका क्या है सर, इस लॉस को कैसे कवर किया जाए? अब दो तरीके हैं, इसके ऑनर ने दो तरीके निकाले और दो चीजें इन्होंने कहा। सर दो चीजों का मतलब क्या है? नंबर वन, हम बिजनेस को बंद कर देते हैं, बिजनेस हमने डिसाइड किया क्लोज कर देते हैं। अगर बिजनेस क्लोज करेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि हमें सारे एसेट्स को बेचने पड़ेंगे और फिर हमें लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी में भी देखा जाए तो सबसे पहले एक होता है सिक्योर्ड लाइबिलिटी, एक होता है अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी। तो सिक्योर्ड लाइबिलिटी को यानी लोन को पहले पेमेंट करना होगा, इसके बाद नंबर दो पे पेमेंट करना पड़ेगा अनसिक्योर्ड, जो कि अनसिक्योर्ड लाइबिलिटी का पार्ट होता है क्रेडिटर बीपी। यानी एक मैं बिजनेस बंद करने की सोचूंगा, लेकिन मैं एसेट्स को जब बेचने के लिए गया तो पता चला कि जो मेरा ये बिल्डिंग 20 लाख रुपए का है, इस पर डिस्प्यूट चल रहा था काफी दिनों से, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो ये तो 2 लाख रुपए का जाएगा। जितने डेटर थे उन डेटर ने मना कर दिया पैसे देने से, यहां 5 हजार मिलेगा, ठीक है? स्टॉक जो है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉयड हो चुका है, जीरो। यानी मैं अपने सारे एसेट्स को बेचने गया तो मैं बेचने में कामयाब हो पाया सिर्फ कितने का? 2 लाख। लेकिन मेरे पर कर्जा तो भैया 25 लाख का है। ये मान लेते हैं ये ऑनर, ये मैं हूं ऑनर, मैं पैसे नहीं लेता एक पल को, लेकिन क्या लोन वाले को बोल सकता हूं कि पैसे नहीं दूंगा? लेकिन जब हम बिजनेस को क्लोज करते हैं और अपने आप को मैंने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, अपने आप को डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, तो ऐसे सिचुएशन में जो पैसा है भैया ले लो और बाकी मेरे से मत मांगना कभी। इंसॉल्वेंट का मतलब ये होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो मेरे पास 2 लाख 5 हजार है, ये किसमें बटेगा? तीन लोगों में बट जाएगा। एक तो लोन वाले को चला जाएगा, एक क्रेडिटर वाले को चला जाएगा, एक बीपी वाले को चला जाएगा। और कितना कितना बटेगा? इनके रेशियो में बट जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं सारा लोन वाले को दे दूंगा, रेशियो में बट जाएगा। ये मान लेते हैं सारा मैंने लोन वालों को दे दिया, तो क्रेडिटर को क्या मिला? कुछ नहीं, बिजनेस बंद कर देते हैं। तो मैंने प्रपोजल दिया, भैया मैं बिजनेस बंद कर रहा हूँ। सर बिजनेस क्यों बंद कर रहे हो? ऐसी क्या जरूरत है भाई? लॉस में चल रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, इतनी टेंशन है, लोन का ब्याज देना है, क्रेडिटर पैसा मांगता है, बिल्स पेबल मांगता है। एक सीए ने एडवाइस किया, आप बिजनेस मत बंद करिए,
ये जो बातें बताई ना आपने, इन तीनों को बुलाइए मीटिंग में, तीनों को बुलाए मीटिंग में। और चार्टेड अकाउंटेंट ने समझाया कि देखो बिजनेस आज बंद हो सकता है, और बंद करने में कोई बड़ी बात भी नहीं है, बस मुझे कुछ ट्रांजेक्शन्स एंट्री करनी होगा, लीगल तरीके से हम बंद कर देंगे और आपके हिस्से में इतने पैसे आएंगे। एक और ऑप्शन हम आपको देते हैं, हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, हम बिजनेस को बंद नहीं करेंगे, मैं इस बिजनेस को चलाऊंगा। इसलिए हम बिजनेस क्यों नहीं चल पा रहा उसके पीछे वजह सुनिए, आपके 14 लाख देने हैं ना, आप एक काम करिए, आपको मैं 10 लाख देने को एग्री हूं, लेकिन अभी नहीं दूंगा। बिजनेस अगर कंटिन्यू रहेगा तो लोन भी कंटिन्यू रहेगा साहब। क्रेडिटर, तुम्हारे 6 लाख है ना, तुम्हें 3 लाख दे दूंगा। बिल्स पेबल 5 लाख है ना, 2 लाख दे दूंगा। और भाई शेयर कैपिटल, इतने मालिक बन के क्या करोगे, 50,000 रुपए लो, बात खत्म करो। बिल्डिंग की वैल्यूएशन 2 लाख रुपए, इसका वैल्यूएशन ठीक करेंगे। डेटर है, डेटर को हम कॉल करके समझाएंगे, डेटर भी हमारा रिकवर हो सकता है। यानी हमने इनसे बात करके इनके वैल्यूएशन को कम करवा दिया। अब मैंने बोला भाई लोन वाले बंदे, बैंकर, या तो तू आज मेरे से बंद करवा दे बिजनेस और मेरे से ले जा 2,05,000 छुट्टी, फिर उम्मीद भी नहीं है कि कुछ मिलेगा। अगर तू मुझे एक मौका देता है और अपने लाइबिलिटी को तू कम कर देता है मेरे ऊपर, तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैं तुझे 10 लाख रुपए, और क्रेडिटर तेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, इससे अच्छा मैं ये तो बोलू तेरे को 3 दूंगा। बिल्स पेबल तेरे को भी कुछ नहीं मिल रहा था, इससे अच्छा मैं ये तो बोलू तुझे 2 दूंगा। अगर तुम इससे एग्री होते हो तो इससे क्या होगा, हमारा बर्डन कम हो जाएगा और हम एक नई बैलेंस शीट बना लेंगे। सर नई बैलेंस शीट? बिल्कुल, एक नई बैलेंस शीट बनके तैयार होगी, एकदम फ्रेश बैलेंस शीट। सर इस फ्रेश बैलेंस शीट में क्या रहेगा कहानी? अब रहेगा इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रहेंगे, अब लोन कितना रहेगा, अब क्रेडिटर कितने रहेंगे, और अब बीपी कितने रहेंगे, यानी टोटल ये रहेगा लाइबिलिटी हमारे पास। तो 10, 15। सर बिल्डिंग की वैल्यू 20 लाख रुपए, वैल्यूएशन 2 लाख रुपए, अलग बात है, हम देखते हैं, डिस्प्यूट आगे लड़ेंगे केस, और इस बिल्डिंग को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। 15 लाख रुपए का ये बिल्डिंग है, और मान लेते हैं स्टॉक एंड डेटर वगैरह कितने का, 50,000। अब मेरा ये बैलेंस शीट हो गया। अब ये जो बैलेंस शीट और इस बैलेंस शीट में जमीन आसमान का अंतर है। इस बैलेंस शीट को अगर मैं फ्रेश किसी इन्वेस्टर के पास लेके जाऊंगा कि मुझे लोन चाहिए या मुझे मदद चाहिए, पैसे की रिक्वायरमेंट है, मशीन लेना है, तो वो इस बैलेंस शीट को देख के देगा, बोलेगा भाई तुम्हारा डेट लॉस तो है ही नहीं ना, एटलीस्ट तुम्हारा तो। और इस बैलेंस शीट को देख के, तो बेसिकली मैंने पुराने वाले बैलेंस शीट में से कुछ क्रेडिटर से, कुछ लोन वाले से, कुछ एसेट्स वाले से बात करके उनकी वैल्यू को बदल के और एक नया बैलेंस शीट बना दिया। तो नई चीज को बनाने को बोला, क्या बोला? री का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब, तो वर्ड आया रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन हम आपस में मिलके बात करेंगे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बैठ के बात किया जाता है, उसे बोलते हैं इंटरनल है ये। और बाहर वालों से जब बात करते हैं तो उसे बोला जाता है एक्सटर्नल है। आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, इंटरनल यूजर एक्सटर्नल यूजर। तो ये कौन से हैं, ये कौन, किन से बात की मैंने? इंटरनल फैक्टर से। तो इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इंटरनल। इंटरनली हम अपने बैलेंस शीट को पूरा चेंज करने वाले हैं, जिसमें से कुछ लाइबिलिटी वाले को जितना पहले लाइबिलिटी था उतना ना देके उससे कम देंगे, और जो एसेट्स पहले शो हो रहा था उससे कम शो करेंगे। ये भी पॉसिबल है कि कुछ लाइबिलिटी वाले को ज्यादा दे दें और एसेट्स ज्यादा शो कर दें, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो मान लो अब पहले 10 का लाइबिलिटी था, अब कितने का मान लिया मैंने? पहले 14 का था, अब कितने का मान लिया? 10 का। तो यहां पे क्या हो गया? 4 का फायदा। 4 का क्या हो गया? तो जो 4 का फायदा हुआ है ना, क्यों हुआ फायदा, किस वजह से हुआ फायदा? तो सर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की वजह से फायदा हुआ। क्यों फायदा हुआ आपका? रिकंस्ट्रक्शन की वजह से। और फायदा बता दो आप मुझे, सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो कहां जाता है? क्रेडिट में। आप बाय लॉजिक बताना, आपका लोन क्या हुआ, कम हुआ या ज्यादा हुआ? कम हुआ। लोन होता है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट, क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करा होगा मैंने? और फायदा कहां चला गया?
समझ में आ रहा है? कोई बच्चा मुझे बीपी की जर्नल एंट्री करके बताओ जल्दी से, बिल्स पेबल की। अगर आपको ये बात समझ में आ गया ना, तो बिल्स पेबल की बता सकता है कोई? बिल्स पेबल की कौन बताएगा? जितने बच्चे लाइव है, इतने सारे बच्चे लाइव है, फटाफट बिल्स पेबल की बताइए। और आप भी बताइए, बिल्स पेबल की क्या जर्नल एंट्री करेगा अगर वो रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है तो? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, ठीक है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू। समझ में आ रहा है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? एक और एंट्री पूछूं, बिल्डिंग मेरा 20 से कितना हो गया? 15 हो गया। बिल्डिंग हमारा 20 से 15 हो गया। बिल्डिंग इज अ एसेट्स। एसेट्स को, एसेट्स क्या होता है? डेबिट। डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट। और यहां पे हो रहा है नुकसान। नुकसान का मतलब, और नुकसान और फायदा जो होता है वो डिनोट रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट करता है। तो अगर फायदा हो रहा था तो रिकंस्ट्रक्शन सर आपने क्रेडिट करवा दिया, और नुकसान हो रहा है तो रिकंस्ट्रक्शन क्या कर दोगे? तो इसका जर्नल एंट्री कोई बता दे मुझे, इसका बिल्डिंग का बताओ। 20 से 15 हुआ, बिल्डिंग का बताओ। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्ड। इस पूरे चैप्टर के अंदर बस यही है कोर थीम। इस चैप्टर की बात करें यही है। आपको एक बैलेंस शीट देगा, और उस बैलेंस शीट में क्या क्या बदलाव होगा वो किसमें लिख के दे देगा वो? उस बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस है क्या करेगा वो? लिख करके दे देगा, और उस चेंजेस के हिसाब से आपको जर्नल एंट्री पास करते जाना है। और उसके बाद जर्नल एंट्री के बाद एक बैलेंस शीट भी बनाना है। इसे बोला जाएगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये चैप्टर वो बच्चा भी कर सकता है जिसने पहले कोई चैप्टर ना भी किया है, तब भी ये चैप्टर कर सकता है। बड़ा आसान चैप्टर माना जाता है ये। बस आपको फायदा और नुकसान पता होना जरूरी है। कुछ एक टेक्निकल तो हर चैप्टर में होता है सर, तो इसमें इतना भी नहीं है, बहुत छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है, वो हम देखेंगे तो करेंगे। तो चैप्टर का नाम थीम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ये चैप्टर हमारे एग्जाम में सर 10 का तो कंफर्म है, और मैं मान के चलूं तो 15 का भी कंफर्म ही है। यानी 10 से 15 नंबर का आपका सवाल पूछा जाएगा। सर ये यूनिट नंबर आपका 4 है, यूनिट नंबर 4 का चैप्टर है। आपके पूरे 5 यूनिट होते हैं, तो यूनिट नंबर 4 का पार्ट कंसिडर किया जाता है। उसमें दो चैप्टर हैं आपके, एक एमलगमेशन और एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं पहले आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, ठीक है? तो कुछ एक एग्जाम्पल से, एक मैं अपना ही एग्जाम्पल लिख लेता हूं, आप साथ के साथ लिखिएगा, और फिर उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, और क्या क्या हो सकता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट आ जाते हैं। मैंने आपको, और अब बताओ ऐसा होने लगा तो आप सोचोगे, एक मन में बात आएगी आपके, एक पॉइंट मन में आएगा, सर क्या पॉइंट आएगा? अगर ऐसा होने लगा तो हर कोई ऐसे कर ले, कितना बढ़िया काम है, लोन ले लेते हैं और उससे बात करके ऐसा करवा लेते हैं। तो सर ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को कोर्ट अप्रूव्ड करता है। कौन अप्रूव्ड करेगा? अगर कोर्ट ने अप्रूवल दिया तभी भैया ऐसे होगा, नहीं तो कोई क्रेडिटर अपने पैसे छोड़ने को राजी नहीं होने वाला। चलिए सर, ये मैं आपके सामने पुराने फॉर्मेट का एक बैलेंस शीट बना रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बैलेंस शीट, बिल्डिंग, डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, लॉस, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लोन,
प्रेडिटर। तेरह, 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, 24। डिबेंचर, चौबीस। आउटस्टैंडिंग रेंट, क्या टोटल मैच हो रहा है? छः, चार, 10, 3, 13, 1, 14, 10। ये आपके सामने बैलेंस शीट है और सर कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया और बैलेंस शीट में क्या क्या बदलाव हुआ। नंबर वन, इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 10 रुपए का एक है, रिड्यूस बाय 6 रुपीज पर शेयर। नंबर दो, 20% लोन रिड्यूस एंड बैलेंस लोन पेड आफ्टर 5 ईयर। टू फिफ्थ क्रेडिटर ओनली टू बी पेड। बिल्डिंग वैल्यूड रुपीस 3 लाख। पास, नेसेसरी, जर्नल एंट्री एंड एंड प्रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन रखा है। अब इस सवाल को करने से पहले कुछ बातों का ध्यान देना है। नंबर वन, कई बार आपको इस बैलेंस शीट के अंदर जो आपको एग्जामिनर देगा कुछ ऐसे एसेट्स होंगे जिसे हम फिक्टीसियस एसेट्स कहेंगे। सर फिक्टीसियस एसेट्स का मतलब वो एसेट्स किसी काम का नहीं है। ऐसे एसेट्स को क्वेश्चन में बोले चाहे ना बोले उसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा। सर उस एसेट्स को राइट ऑफ करने का मतलब जीरो मान लिया जाएगा। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिसको जीरो मान लिया जाता है? नंबर वन, एसेट नोट। चलिए मैं पहले क्वेश्चन कर देता हूं फिर नोट लिखूंगा। सर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, कहता है इक्विटी शेयर को रिड्यूस कर दो 6 रुपए पर शेयर से। पहले आपका इक्विटी शेयर 10 रुपए का था, तो अगर मैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालूं तो 6 लाख रुपए का था पहले और 10 रुपए का आप कह रहे हो, तो इसका मतलब पहले थे, अब ये 10 के बदले 6 हो जाएगा, यानी रिड्यूस बाय 6, यानी अब बचेगा कितने का? 4 का। तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या होगा फायदा? किसका फायदा? कंपनी का फायदा। तो कंपनी क्या एंट्री करेगा? कंपनी एंट्री करने वाला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
पहले क्या करेगा, वो सारा का सारा इक्विटी डेबिट कर देगा, दैट इज 6 लाख। टू, न्यू इक्विटी दिया मैंने, न्यू इक्विटी शेयर, यानी मैंने न्यू इक्विटी शेयर जो दिया है वो 60,000 शेयर होल्डर को सिर्फ 4 रुपए के हिसाब से दूंगा, क्योंकि 6 तो खत्म ही हो जाएगा, दैट इज 2,40,000। बाकी का फायदा हो जाएगा, वो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में। और 1 लाख नहीं, 3,60,000, 3,60,000। सर इसकी जनरल एंट्री क्या करो, मतलब बीइंग क्या लिखोगे? सर इसका बीइंग, बीइंग इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस बाय 6 रुपीज। बस पहली जनरल एंट्री पहले कंफर्म करिए। मैंने पूरे इक्विटी को खत्म करा, 10 वाला था उसको डेबिट करके खत्म कर दिया मैंने, क्योंकि पहले क्रेडिट था अब डेबिट करके खत्म किया। अब मैंने नई इक्विटी देने का सोचा, अगर आप 6 रुपए से रिड्यूस कर रहे हो तो नई इक्विटी कितने वाले होंगे? 4 रुपए, तो 4 रुपए से न्यू इक्विटी दे दिया उसको, और बाकी का 6 रुपए जो था हमारा वो हमारा फायदा हो गया, दैट इज हमारा इससे मल्टीप्लाई 6 किया तो ये फायदा हो गया। पहली जनरल एंट्री में कोई दिक्कत, सिंपल अभी करा था। दूसरा कहता है कि 20% लोन रिड्यूस हो जाएगा और बैलेंस को हम बाद में पेमेंट करेंगे। तो भैया अगर 20% लोन को रिड्यूस करोगे, बैलेंस को बाद में पेमेंट करोगे, तो सिर्फ 20% लोन ही तो कम होगा आपका। आपका लोन अमाउंट देखा जाए तो 3 लाख है, और 3 लाख का 20% कितना होगा? तो मैं यहां पे लिखूंगा लोन अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट, और टू फायदा है, और इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं, कैपिटल रिडक्शन, या तो रिकंस्ट्रक्शन कह लो या कैपिटल रिडक्शन। आप चैप्टर का थीम समझिए, इसको करा क्यों जा रहा है, ताकि कंपनी का जब ऐसा होगा तो कंपनी की हेल्थ पहले से अच्छी हो जाएगी और कंपनी शायद सरवाइव करके उन सभी के पैसे लौटा पाए। तो सर इसमें से लोन 3 लाख का 20%, यानी सिर्फ कितने का फायदा? बीइंग लोन रिड्यूस बाय 20%। इस वाले में सिर्फ लैंग्वेज है, एग्जाम ना लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करेगा, जैसे जैसे मैं बुक के क्वेश्चन पे आऊंगा ना, तो लैंग्वेज के 20% लोन का हमने रिड्यूस कर दिया, उसमें से 10% को पेड कर दिया, कुछ इस तरीके से बोल सकता है। अभी तो फिलहाल समझ में आ रहा है आपको, तो बहुत बढ़िया बात है। आफ्टर 5 ईयर के बाद, तो भैया 5 साल के बाद पेमेंट होगा, जब पेमेंट होगा तब एंट्री कर लेंगे, अभी हमें उसको सोच के क्या फायदा, ठीक है ना। आगे कहता है 2/5 क्रेडिटर ओनली टू बी पेड, जितना भी क्रेडिटर था उसमें सिर्फ 2/5 ही टू बी पेड, मतलब फ्यूचर में पेड करेंगे। तो मतलब भैया सिर्फ 2/5 ही अगर आप फ्यूचर में पेड करोगे तो बाकी नहीं करने वाले आप, तो क्रेडिटर भी घट जाएगा हमारा। सर क्रेडिटर की एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो सर क्रेडिटर था कितने का? 4 लाख का। 4 लाख में से अगर मैं 2/5 पेमेंट करने की बात कर रहा हूं, तो मतलब 3/5 नहीं करूंगा, तो 2/5 पेमेंट की बात कर रहा हूं तो 3/5 का फायदा हो गया, तो कितने हो जाएंगे? 5, 8, 2/40, 2/40 और 2 रिकंस्ट्रक्शन, सर इसका बीइंग सेम, बीइंग क्रेडिटर रिड्यूस बाय 3/5, ठीक है। बिल्डिंग वैल्यूड 3 लाख, भैया बिल्डिंग अब 3 लाख का हो चुका है, पहले कितने का बिल्डिंग था चेक करो, 5 लाख का पहले बिल्डिंग था, भैया अब बिल्डिंग 3 लाख रुपए का हो गया, इसका मतलब सर नुकसान हो गया, तो अब एंट्री क्या करेंगे? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट,
और टू बिल्डिंग। सर अमाउंट क्या आएगा, अमाउंट क्या आएगा बता दो। सर 5 का था, अब बोल रहे हो 3 हो गया है तो नुकसान नुकसान लिखेंगे। बींग हालांकि मैं बहुत सारे और पॉइंट लिखना चाह रहा था लेकिन जगह की वजह से नहीं लिखा। मान लो मैं कहता डेटर पे 10% का प्रोविजन भी करना है तो एंट्री क्या होता, कौन बच्चा बताएगा डेटर पे 10% प्रोविजन करना होता तो। या डेटर में से बैड डेट्स हो गए, मान लेते हैं कि मेरा डेटर यहाँ पे 2 लाख है, मैंने बोला 20,000 का बैड डेट्स हो गया, उसकी क्या एंट्री करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर, सिंपल सी बात है, डेटर घट जाता और रिकंस्ट्रक्शन डेबिट हो जाता। बीआर अगर मैं बोलूँ 4 लाख है और बीआर में भी मैं, या फिर मैं बोलता हूँ स्टॉक जो है मेरा वो 3 लाख है और स्टॉक मेरा अब रह गया 2,80,000, 20,000 का नुकसान हो गया है, तो क्या एंट्री करते। फिर से रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। अगर मैं कहता मेरा बीआर मान लेते हैं 4 लाख है लेकिन अब बीआर 4.5 लाख हो गया तो क्या एंट्री करते, बीआर बढ़ जाता है तो बीआर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। यानी आपको बड़ी बेसिक बेसिक सी चीजें मैं लिखना चाहता तो लिख सकता था लेकिन मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ पे पूरे में देखोगे ना तो ये इस बैलेंस शीट में ऐसे कोई आलतू फालतू के अगर एसेट्स हुए ना जिसका कोई वैल्यू नहीं है उसको राइट ऑफ करिए। सर आलतू फालतू में कौन कौन से एसेट्स है जो बिना बोले राइट ऑफ किया जाता है, नोट उस एसेट्स को राइट ऑफ किया जा सकता है। नंबर 1 गुडविल, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस, नंबर 3 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, नंबर 4 अंडरराइटर कमीशन, नंबर 5 एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। तो सर ये जितने भी आइटम आपको दिख रहे हैं ना इन सभी को हम क्या कर देंगे सर, राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ का मतलब, और ये सभी मजे की बात आपको देखने को पता कहाँ मिलेगा, एसेट्स में ही मिलेगा। गुडविल आपको पता ही एसेट्स में होता है। साथ के साथ आप याद करो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कभी 12th में देखा होगा पार्टनरशिप के अंदर, वो भी डेबिट में हुआ करता था। और अंडरराइटर कमीशन तो वहां हो नहीं सकता, बाकी ये सब डेबिट में होता। तो इस सबको पता है क्या करना है, सवाल बोलता है तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्जी से इन सभी को 0 मान लो। सवाल बोलता है तो ठीक, नहीं तो अपनी मर्जी से क्या मान लो, 0 मान लो। लास्ट में कह सकता है ऑल इनटेंजिबल एंड फिक्टीशियस एसेट्स शुड बी रिटन ऑफ, ये शब्द बोल दिया तो अगर इनमें से कुछ दिख रहा है तो 0 कर दो। और अगर ये लाइन नहीं बोला तो मैं ढूंढ लूंगा क्या ऐसा कोई बात है इस बैलेंस शीट में, आप बताइए मुझे ढूंढ के। मैंने नहीं बोला कि कोई भी राइट ऑफ करना है, कहीं लाइन नहीं लिखा है, आप बताइए कुछ ऐसा बैलेंस शीट के अंदर लग रहा है कि आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। कोई ऐसा पॉइंट है इनमें से जो कि बैलेंस शीट के अंदर अभी भी पड़ा हुआ है, स्टिल उसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं लगा हो तो बताइए क्या है इसमें। तो इसके अंदर क्या है सर, लॉस एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ और आपने नोट के हिसाब से बोला इनको 0 करना है, नोट के हिसाब से इसे राइट ऑफ करना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, 2 मिनट। तो यहां पे देखा जाए तो इसको राइट ऑफ करने का मतलब यहां से हटा देंगे, डेबिट में से हटा देंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्रेडिट और रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट। तो जर्नल एंट्री क्या होगा फटाफट बताइए। जर्नल एंट्री क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन टू लॉस, कितने रुपए लिखे पूरे,
बींग प्रॉफिट एंड लॉस, रिटर्न ऑफ, मैंने थोड़ा रफली लिख दिया, यहां तक किसी बच्चे को डाउट? सवाल बिल्कुल ऐसा ही होगा, और 15 नंबर का सवाल होगा आपका, 10 नंबर का सवाल होगा। इसके अंदर दो पार्ट और एड ऑन हो जाएगा, या तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने को बोला जाएगा, या फिर बोला जाएगा नई बैलेंस शीट बना के दिखाइए। तो मैं नई बैलेंस शीट पे तो नहीं, अभी पहले रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में बना के दिखाऊंगा। सर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट कैसे बनेगा, छोटा सा पॉइंट है, और ये भी सोचोगे सर इसमें ऐड भी किया तो क्या किया। यहां पे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लेते हैं, यहां पे रिकंस्ट्रक्शन बना लेते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन में बोलू एक बात, रिकंस्ट्रक्शन जो रिवैल्यूएशन होता है ना उसका एक बड़ा रूप है। रिवैल्यूएशन में क्या होता था, जो नुकसान हुआ इधर और जो फायदा हुआ, सेम कहानी यहां भी है, बस वहां पे रिवैल्यूएशन होता था और यहां उसी को रिकंस्ट्रक्शन दे दिया गया समझाने के लिए, बाकी दोनों चीजें अलग अलग है। अब हम कैसे करेंगे, पहली एंट्री में रिकंस्ट्रक्शन है, फायदा है ना पहली में, तो बाय साइड में आ जाएंगे, बाय में हमें फायदा पहुंचा इक्विटी शेयर कैपिटल से। सर कितने का फायदा पहुंचा, समझ में आया? दूसरे एंट्री में भी क्या है, हमें फायदा है तो किधर जाएगा, बाय में। तो किसी वजह से हुआ, कितने रुपए का, तीसरी एंट्री में क्या है, फायदा, किसकी वजह से, कितने रुपए का, चौथी एंट्री में क्या है, लॉस, तो लॉस डेबिट में किसकी वजह से, पांचवी एंट्री में एसेट्स था उसे खत्म करा, लॉस को राइट ऑफ करा, तो ये भी इधर ही आ जाएगा, टू अब यहां पे जब आप टोटलिंग करने जाओगे ना तो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, या तो इधर निकलेगा या फिर, अब आप देखो तो किस साइड बैलेंस शीट निकल रहा है, बाई साइड निकल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं टू साइड बैलेंस निकालने चाहता हूँ मैं, और चेंजेस क्या करें इसमें, बहुत लिटिल चेंजेस, नौ और चार, ठीक है, काम बन गया मेरा, हाँ एक कर दिया मैंने, बस मैं चेंज करके यहां दिखाना चाहता हूं। तो सर लॉस कितना हो गया, अब बताओ किधर आ रहा है डिफरेंस, टू साइड में। अब जब टोटल करेंगे तो 3,60,240 कितने हो गए, 6,60,000, और सर 6,60,000 अब इधर आएगा फायदा। अब जो हमने किया है ना, ये वो काम किया है जो कि बिजनेस का रूटीन नेचर का नहीं है, कभी कभी होता है, तो जब कोई चीज रूटीन नेचर का नहीं होता, कभी कभी होता है, तो ऐसे प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं भेजा जाता। सिंपल सी बात है, इतना पैसा कमाया और इतना का नुकसान हो गया, यही कहानी है ना, अगर हम सिंपल सी बात करें तो, बीच में नेट में तो कमाई हो रही है ना, तो उस प्रॉफिट को भेज दिया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, कितने रुपए सर, 660 में से 3 लाख माइनस करोगे तो 3 लाख, और सर इसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, लास्ट जो बैलेंसिंग फिगर निकला है ना इसकी जर्नल एंट्री आपको करनी पड़ेगी, अगर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट ना भी बनाने को बोला जाए तब भी इसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ती है आपको। तो एक जर्नल एंट्री लास्ट वाली कर देंगे, क्या एंट्री होगा, फायदा हुआ तो
तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जैसे हम शेयर फॉरफीचर को कैपिटल रिजर्व में भेजा करते थे, सेम वही कहानी। सर अगर अकाउंट नहीं बनाते तो ये तो पता ही नहीं चलता, पता चल जाता, सारे क्रेडिट वाले को जोड़ लेते, डेबिट वाले को जोड़ के बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते। तो ये बन गया हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये बन गया सर हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। बताइए इसमें कोई डाउट? बैलेंस शीट नई बनानी हो तो मैं अभी बैलेंस शीट पे भी आऊंगा, लेकिन मैं नई वाले तरीके से शेड्यूल थ्री वाला बैलेंस शीट नहीं बनाने वाला, पुराने वाले तरीके से ही बना के दिखा दूंगा मैं आपको। यहां तक किसी को डाउट नहीं? अब बैलेंस शीट बनाए। अगर यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो, नहीं तो बस 5 मिनट लगना है बैलेंस शीट, और आज की क्लास लंबी भी मैं नहीं लेने वाला। सर लॉस तो क्रेडिट और प्रॉफिट को डेबिट कर देंगे। ओके क्लियर है सभी बच्चों को यहां तक? सर एग्जाम में नरेशन लिखना कंपलसरी है? बिल्कुल नरेशन लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। देखो 10 नंबर का सवाल आता है और 10 पॉइंट आ जाते हैं, 5 पॉइंट जो भी आ जाते हैं फटाफट हो जाता है। मैं तो सबसे फेवरेट क्वेश्चन मानता हूँ, बच्चा जब एग्जाम देने जाता है कॉर्पोरेट में तो पहले ये वाला चैप्टर ढूंढता है, जल्दी से निपटा ले, एक पक्का तो कर ले कम से कम हो जाए। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। चलो बैलेंस शीट बनाने में पुरानी बैलेंस शीट बना देते हैं, या मैं एक काम करता हूं, चलो बना ही देते हैं क्या। बस चले जाना, भी कहाँ जाना है आपको? ठीक है जाइए। चलिए सर न्यू बैलेंस शीट का मतलब ये बिल्कुल भी ना समझे कि नई तरीके वाले बना रहे हैं, पुराने वाले को रिकंस्ट्रक्शन करके कर रहे हैं। इस साइड लाइबिलिटी, इस साइड अमाउंट, इस साइड मैं सारी चीजें लिख लेता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके बाद लोन था, फिर क्या था, फिर और फिर इधर बिल्डिंग, फिर डेटर था, फिर स्टॉक, फिर बिल्स रिसीवेबल, लॉस तो खत्म ही हो गया। अब देखो एक एक करके, पहले बिल्डिंग 5 का था, अब नई बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं तो बताओ बिल्डिंग कितने का लिखें, क्योंकि बिल्डिंग में हमारा नुकसान भी हुआ है, कहाँ गया ये रहा 2 का, तो बिल्डिंग कितने का लिखेंगे? तो बड़ी सीधी सी बात है सर, बिल्डिंग लिखेंगे हम 3 का। चलिए साहब अब डेटर पहले कितने का था? 2 का। क्या डेटर में कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ, तो स्टिल डेटर कितने का रहेगा? आ जाइए, स्टॉक पहले 3 का था, क्या स्टॉक में बदलाव हुआ? नहीं हुआ, एज इट इज 3 का। बीआर था 13 का, कोई बदलाव हुआ? नहीं हुआ सर, अभी भी 13 का। प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख का, क्या अब ये तो रहा ही नहीं, तो नई वाली बैलेंस शीट में भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आए। अब लाइबिलिटी में आ जाते हैं, शेयर कैपिटल 6 का था, लेकिन नए वाला शेयर कैपिटल कितना हो गया? 240। सर लोन 3 का था, लेकिन अब लोन 60,000 से घट गया है, तो ये भी कितना हो जाएगा? सर क्रेडिटर हमारा था 4 लाख का, लेकिन क्रेडिटर भी 240 से घट गया है, तो कितना हो जाएगा? सर बीपी मेरा नहीं है, अच्छा डिबेंचर है, बीपी गलत लिख दिया इधर है।
सर डिबेंचर कितने का था? 10 का, कोई फर्क नहीं, और इस पे भी कोई फर्क नहीं, दोनों साइड मैच करके देखिए कितने हो रहे हैं ये, 3 2 5 3 8, और ये भी, और नहीं 21 नहीं होगा, इसके अंदर एक पॉइंट रह गया। कैपिटल रिजर्व कितने का? 360 का, तो 360 का ये आ जाएगा, अब हो जाएगा 21। समझे बात? क्या समझ में आई बात आपको? पुराने वाला बैलेंस शीट कहीं नहीं बनेगा, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मैं बना रहा हूं, फिर बाकी मैं नए पे ही लेके आऊंगा, शेड्यूल 3 वाले पे। कोई दिक्कत? रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चीज़ें दिक्कत दे रही है उसको दोबारा से रीबिल्ड करना, मतलब सिंपल सी बात है, एसेट्स और लाइबिलिटी को दोबारा रीवैल्यू पे दिखाना, जिसकी वजह से हमारा कुछ फ़ायदा हो जाता है, जिस प्रॉफिट को भेज देते हैं हम कैपिटल रिजर्व में, और ये हमारा रिकंस्ट्रक्शन का टॉपिक था। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक अपना ही एग्जांपल लेके और फिर करके आपको दिखाया था, बड़ा बेसिक सा। अब आपके एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे और फिर हम समझेंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन और आपको कितना समझ में आया है। 2017 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सभी बच्चे को क्लियर विजुअल है एक बार आप बता दीजिएगा, नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए थोड़ा जूम नहीं कर पाएंगे इसको, तो आप बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर है हर किसी को। स्क्रीन शो नहीं हो रही बच्चों को, अब बताइए। अब एक बार देखिए, मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया है। क्लियर? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हमने लास्ट क्लास में हालांकि करा था, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमारा एसेट्स अगर हमारा कम होता है, माइनस होता है, या तो एसेट्स हमारा बढ़ता है, तो माइनस होने का मतलब हमारा रिकंस्ट्रक्शन से एंट्री करेंगे, और बढ़ेगा तब भी रिकंस्ट्रक्शन से एंट्री करेंगे, बढ़ेगा तो फायदा है तो क्रेडिट हो जाएगा, घटेगा तो नुकसान है तो डेबिट हो जाएगा। एसेट्स के बाद अगले पॉइंट पे चले हम लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के अंदर अगर बढ़ेगा तो नुकसान है तो डेबिट हो जाएगा, और घटेगा तो फायदा है क्रेडिट हो जाएगा, इसी बेसिस पे हमने काम स्टार्ट किया था। सवाल करेंगे ना, इस सवाल के अंदर हम सारी चीजें करने वाले हैं विद बैलेंस शीट। आपको एक बैलेंस शीट गिवन है, कहता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर एंड बहुत सारी जानकारी गिवन है, और इसमें देखो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। आपको मैंने लास्ट क्लास के अंदर लिस्ट लिखवाया था, सर कौन सा लिस्ट लिखवाया था, अंडरराइटर कमीशन, डिस्काउंट, डिस्काउंट नहीं लिखा है इसमें, चलो लिख देते हैं डिस्काउंट। ये सारे वो एक्सपेंसेस थे जिसको हमें क्या करना था, जीरो कर देना था, राइट ऑफ कर देना था। क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड वाज एरियर फॉर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर है। It was decided reconstruction of the company as per the following scheme which duly approved by the court, और court ने इजाजत दे दिया है कि आप reconstruction करिए। पहला point कहता है preference share convert into 7% preference share 50 rupees each fully paid, यानी पहले हमारा preference share जो था वो 100 रुपए वाला था, अब हमने क्या करा, preference share holder का पहले rate था 6%, अब बोला भाई तेरा रेट कर देते हैं पता है कितना, हम और हम 50 रुपए का ईच फुल्ली पेड अप कर देते हैं, कन्वर्ट कर दिया उसका।
यानी तेरे पहले थे 5,000 शेयर, अब रहेंगे तो तेरे 5,000 ही शेयर, लेकिन जो पहले तेरे को 100 रुपए वाला था अब उसको कितने में कन्वर्ट कर दिया, 50 में। देखिए जर्नल एंट्री कैसे होगा, एक दो आपको देखोगे तो थोड़ा क्लियरिटी बनेगा। एंट्री नंबर ए, हम पहले इस वाले प्रेफरेंस शेयर को यहां से हटाएंगे जो कि हमारा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू, अब नए वाला प्रेफरेंस शेयर देंगे तो उसको क्रेडिट करेंगे कितने परसेंट वाला, 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सर इस बैलेंस शीट में से पूरे 5 लाख खत्म हो जाएगा। और नंबर ऑफ आपको पता है कि कितने थे, 5,000 थे, तो मैं अगर यहां पे काउंट करूं तो 5,000, अब लेकिन मैं 50 रुपए का दूंगा, दैट इज 250। अब मैच नहीं हो रहा, बाकी हो गया फायदा तो रिकंस्ट्रक्शन। ढाई लाख पहली एंट्री मैंने कर दिया आपके सामने, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं दोबारा भी बता देता हूं। सर कहानी क्या थी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो पहले से था हमारे बैलेंस शीट में, उसको बोला भाई तू तो अब तेरा 6% था, अब तेरा परसेंटेज हम बढ़ा रहे हैं, और बढ़ा के कितना कर रहे हैं, तो पहले जो तेरा परसेंटेज था उसको हम बढ़ा रहे हैं, यानी बैलेंस शीट में से तो हट गया, तो इसलिए डेबिट करके बैलेंस शीट से निकल गया। 7% कर रहे हैं, लेकिन शर्त ये भी है कि तेरे को 100 रुपए का नहीं मिलेगा अब एक प्रेफरेंस शेयर, अब तेरा एक प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा 50 रुपए का। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी के 50 बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर से मांगेंगे, बोला हमारा शेयर ही 50 का हो चुका है अब। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने 2.5 लाख रुपए का उसको नए वाला प्रेफरेंस शेयर दे दिया जो कि कितने परसेंट वाला था, 7, और बाकी का डिफरेंस जो भी था हमारा फायदा हो गया कितने का, पूरे 2.5 लाख का, जिसे हमने कहां भेज दिया, रिकंस्ट्रक्शन। क्लियर है, पहला पॉइंट बताइए किसी को, एक एक पॉइंट पढ़ के और धीरे धीरे करना है। बी पार्ट कहता है सर इक्विटी शेयर सेल बी रिड्यूस टू थ्री। अब एक होता है रिड्यूस बाय और एक होता है रिड्यूस टू। अगर मैं रिड्यूस की बात करूं तो इसके अंदर सर दो पॉइंट होते हैं, या तो एग्जामिनर बोल सकता है रिड्यूस टू या बोल सकता है रिड्यूस बाय शब्द लगा होगा, जैसे यहां पे टू लगा हुआ है मतलब अमाउंट से पहले। अगर मैं रिड्यूस टू कहता हूं तो इसका मतलब वो उतने का ही बच गया है। अगर मैंने कहा कि 10 रुपए वाले हमारा ईच एक शेयर था, इसको रिड्यूस टू कर दो, रिड्यूस टू 4, तो इसका मतलब नाउ न्यू जो शेयर होगा वो कितने का होगा, 4 रुपए का ही होगा। अगर मैं कहता हूं 10 रुपए वाला एक शेयर था और आप इसे कर दो रिड्यूस बाय 4, इसका मतलब सर जो न्यू वाला होगा वो कितने का होगा, 6 का। तो ये फर्क है, और बाकी मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत बच्चों को पता होगा कि क्या है ये, ठीक है। तो हमारे वाले क्वेश्चन के अंदर बोलता है अब 3 का हो गया भैया फुल्ली पेड अप, यानी पहले 10 रुपए का हुआ करता था, तो भैया पुराने वाले को तो हटा ही दो। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं बींग नहीं लिख रहा, बींग वही होगा जो लास्ट क्लास में चर्चा किया था, क्या होगा प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट इनटू, जो हमारे स्टेटमेंट लिखा है प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट इनटू 7% प्रेफरेंस शेयर एंड 50 रुपीज ईच फुल्ली पेड अप, यानी यही स्टेटमेंट सेम लिखा जाएगा, बस अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट पहले इससे से सारा बाहर निकालो, कितना है हमारा, 4 लाख। अब हम उसको क्या देंगे, नए वाला इक्विटी शेयर टू न्यू। अब बताएगा कौन, बताएगा नए वाले इक्विटी शेयर 40,000 वालों को कितने रुपए देने हैं, सवाल कहता है कितने देने हैं, 3, मतलब सर 1 लाख। इसके बाद आगे आ जाता है हमारा जो फायदा हुआ उसे कहां पहुंचा दे, रिकंस्ट्रक्शन, कितने, 2,80,000। किसी बच्चे को कोई डाउट, हाँ लगा रहे लगा रहे, 2,80।
बीइंग प्रेफरेंस शेयर, ओ प्रेफरेंस थोड़ी है, इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू 3 पर शेयर। बताइए समझ में आ रहा है। तीसरा, द डिबेंचर होल्डर एग्री वेव, एक बीस ठीक है, द डिबेंचर होल्डर एग्रीड, डिबेंचर होल्डर एग्रीड वेव्ड, वेव का मतलब होता है छोड़ना। मैंने कहा था इसमें शब्दों की कलाकारी होगी एग्जामिनर के तरीके से, वर्ड वो जितना घुमा सकते हैं ट्विस्ट करेंगे, होगा काम आसान। वेव्ड का मतलब छोड़ना। 50% ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, कहता है डिबेंचर होल्डर ने अपना 50% ब्याज ही छोड़ दिया, बोला नहीं लूंगा। यहां पे देखिए एक्रूड इंटरेस्ट कितना है, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। डिबेंचर होल्डर एग्री टू वेव ऑफ 50% एक्रूड इंटरेस्ट। अब सवाल ये आता है कि भैया इसने 50% छोड़ दिए हैं तो बाकी के 50% लिए हैं या बाद में लेगा, सवाल ये आता है। अगर अभी लिए तो बैंक से पेमेंट करके नक्की करेंगे उसको, अगर बाद में लेगा वो तो फिर हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो मैं मान के चल रहा हूं 50% उसने वेव ऑफ करे, 50% का पेमेंट कर दिया, ये अजम्पशन है। तो आप बताओ मुझे इंटरेस्ट कितने था, इंटरेस्ट कितने थे यहां पे? सर 30,000। 30,000 में से 50% तो हमें बोल रहा है कि हम नहीं लेंगे इसके साहब पैसे, तो इसका मतलब 15,000 रुपए का फायदा प्रॉफिट, और बाकी का 50% दैट इज 15,000 रुपीज को आपके ऊपर दो डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूं जी मैं इसको पेड करूंगा, बात खत्म। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट को यहां से खत्म करना होगा, तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट कितने रुपए सर? 30,000। अब बैंक से भी कुछ पेमेंट करेंगे तो उसके लिए टू बैंक शब्द का इस्तेमाल, जितना पेमेंट करेंगे तो बैंक से कितने पेमेंट करने वाले हैं, और टू, हालांकि इसकी एक और एंट्री हो सकती है पहले ड्यू की फिर पेड की, मैं डायरेक्टली पेड कर रहा हूं, नेट एंट्री कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन 15,000, तो लीजिए बीइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, और स्टेटमेंट में लिख सकते हो 50% वेव ऑफ कह सकते हैं, फोरगो बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी शब्द बोला जा सकता है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रिकंस्ट्रक्शन आपका बोलोगे तो फायदा नुकसान नॉमिनल नेचर का मान लोगे आप उसे। सी पार्ट दोबारा समझना है, सी पार्ट में क्या कहता है कि हमारा ना डिबेंचर होल्डर है भैया, तो अगर मैं बात करूं तो सवाल में 8% डिबेंचर भी है, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज हो सकते हैं, 8% डिबेंचर दैट इज 2,00,000। अब कहता है कि इसके अंदर इंटरेस्ट भी दे रखा है और इंटरेस्ट दैट इज 30,000, दोनों बातें अलग अलग, ये पैसा भी डिबेंचर होल्डर का है, ये पैसा भी डिबेंचर होल्डर का है। सवाल में कहता है द डिबेंचर होल्डर एग्री वे ऑफ 50% इंटरेस्ट, सवाल में इसकी बात कर रहा है, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं करी है। तो इसके बारे में जो बच्चा सोच रहा है सर डिबेंचर का तो कुछ किया ही नहीं, तो आप गलत सोच रहे हो, इसके बारे में तो सवाल में बोला ही नहीं है कुछ। इसके बारे में बोलता है 50% पेमेंट करके खत्म करो। तो अब 30,000 रुपए का मैंने सबसे पहले लाइबिलिटी खत्म कर दिया, 15,000 की पेमेंट, 30,000 का 50% क्या होता है 15,000,
और बाकी 15,000 नहीं पेमेंट करना, मैं बच गया इसको पेमेंट करने से, फायदा हो गया, तो जिसको मैंने डाल दिया कहाँ, रिकंस्ट्रक्शन। समझे बात, किसी को दिक्कत? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शेयर कैपिटल 5 लाख, डिबेंचर 2 लाख, आउटस्टैंडिंग रेंट 3 लाख, टोटल लाइबिलिटी 10 लाख, दैट इज लाइबिलिटी। मैंने एक नीचे स्टेटमेंट लिखा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉट पेड रुपीस, और आसान कर देते हैं, या मैं थोड़ा मुश्किल करता हूं, मैंने बोला आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉट पेड। पहला सवाल मेरा जवाब देना, मैंने सवाल अभी पूछा नहीं है। पहला सवाल, मुझे इंटरेस्ट अमाउंट बताइए क्या होगा, इंटरेस्ट अमाउंट। जितने बच्चे लाइव सेशन में, सभी फटाफट कमेंट में जवाब दे दें, और जितने बच्चे ऑफलाइन है पहले वो भी बता दे क्या होगा। आप बताओ राहुल क्या होगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर? 20,000 रुपए। सभी बच्चों का लगभग लगभग कहना है सर 20,000, सभी बच्चों का जवाब आ गया 20,000। और 20,000 उन्होंने बताया कैसे सर, 2 लाख रुपए पे, और रेट दे रखा है 10%, और 10% ही ये जो होता है उसके ऊपर 20,000 बता दिया। मैंने सेंटेंस में क्या कहा, अलर्ट रहना, मैंने सेंटेंस में कहा कि मैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो पेमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि इससे कंपनी को फायदा होगा या नुकसान। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मैं पेमेंट नहीं करूंगा, अब बताइए फटाफट ये फायदा होगा या नुकसान? वंशिका का प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। कुछ बच्चों को लॉस भी लग रहा है तो बताइए, सभी ने एकदम प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। कितने बच्चों को लॉस लगता है ऑफलाइन? सबको प्रॉफिट, लॉस भी है भाई, फायदा लॉस, किसी को लॉस? और क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया। मैंने कहा कि जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, मेरे इंटरेस्ट जो देना था वो आउटस्टैंडिंग है भाई साहब, हमने दिया नहीं, और अब कंपनी ने डिसाइड करा कि अब हम नहीं देंगे भी नहीं। और इंटरेस्ट कितना बनता था, तो आउटस्टैंडिंग कितना रहा होगा, 20,000 बन सकता आउटस्टैंडिंग। मैंने कहा कि नहीं देंगे, तो जब बोला कि भैया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं देंगे, तो मेरा सवाल था कि जब हम उसे इंटरेस्ट नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो एज अ कंपनी को ये बेनिफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है? तो 90% बच्चों का जवाब जो है वो प्रॉफिट के पॉइंट में आ रहा है। राबिया का पता नहीं 1,80,000 कहां से आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बताइए अब आपका प्रॉफिट लग रहा है लॉस? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? तो यहां पे जो हमारा आंसर होगा, यहां पे जो आंसर होगा, आंसर होगा ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। अब मेरी बात सुनिएगा सर, लाइबिलिटी वही है जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर है ही नहीं मतलब लाइबिलिटी नहीं।
सीधी सी बात है, जो इसके अंदर है ही नहीं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी भी नहीं है। जब ये लाइबिलिटी था ही नहीं और एडजस्टमेंट में कह रहा है कि हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को पेमेंट नहीं करेंगे, तो भाई पहले भी हम यही मान के चल रहे थे, अगर मैं पहले कंसीडर करता कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट करना है तो मैं यहां लिखता ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, और अब लिखने के बाद बोलता मैं पेमेंट नहीं करूंगा या पेमेंट नहीं करना है, तो फायदा था। यानी फायदा या नुकसान आप पहले चेक करोगे आपके पास है या नहीं है। अगर आपके पास पहले है ही नहीं और आपको बोला जाए उसको पेमेंट नहीं करना है, तो इसका मतलब आपका नो प्रॉफिट नो लॉस। बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे थे प्रॉफिट या लॉस, ये दिक्कत होती है बच्चों को। मैं एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले समझो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी अगर आपने बोला सर इसका देखो कॉन्सेप्ट क्या बनता है और जो सोच बनती है, जो बच्चों की सोच बनती है, सोच क्या बनती है, सर एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है देना है और आप कह रहे हो कि नहीं देना है, तो चलो हमें कुछ पैसा देना ही नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब फायदा हो गया। सोचने का ये हमारा नजरिया होता है। लेकिन आप ये भी सोचिए सर आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल रहे हैं नॉट पेड, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था ही कहां अगर पहले था ही नहीं आपके बैलेंस शीट में और आप बोल रहे हो नॉट पेड, तो इसका मतलब पहले भी हम मान के चल रहे थे कि नहीं पे करना। अगर आप पहले मान लेते कि पेमेंट करना है तो दिखाते, अगर नहीं दिखाने तो आपके मन में पहले से ये क्या पेमेंट करने वाला ही नहीं हो और नीचे बोलते नहीं पेमेंट तो भाई कोई भी। अगर मैं कह देता कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड, तो पहले लाइबिलिटी था क्या आपके पास? पहले आपके पास ये लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का? नहीं है। और मैंने कहा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेड करेंगे, अब बताओ नुकसान या फायदा? पहले आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है क्या? लेकिन आपको बोला गया पेड करिए तो लाइबिलिटी था नहीं और फिर भी हमें लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा कुछ रीजंस की वजह से, तो अब मेरा क्या होगा? लॉस होगा। समझ रहे हो पॉइंट? यानी सर अगर बैलेंस शीट के अंदर मान लेते हैं इसके अंदर 10,000 रुपए है और मैंने बोला इसको पेड कर दो, तो सर कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, 10 था 10 दे दिया। अब इसके अंदर है ही नहीं और मैंने बोला पेड कर दो तो आपका टोटल लॉस। इसके अंदर है ही नहीं और मैंने बोला पेमेंट नहीं करना है तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं। समझ रहे हो? यानी लाइबिलिटी का मतलब वही होता है जो बैलेंस शीट के अंदर हो। समझे बात आप? यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो एक एडजस्टमेंट देखते हैं क्या कहता है हमारा। अब ये मैंने इंटरेस्ट का लिया, अब चाहे डिविडेंड का हो चाहे प्रेफरेंस या डिविडेंड का, कोई भी कॉन्सेप्ट यही फॉलो करना है। क्या कहता है? एरियर, एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग, और प्रेफरेंस या डिविडेंड इज टू बी कैंसिल, यानी प्रेफरेंस या डिविडेंड होल्डर को कुछ पैसे जो देने थे उसको हम कैंसिल करने जा रहे हैं। तो पहले चेक कर लो भैया तुमने पहले माना भी था देना है, क्या माना है कि आपने देना है? अगर आप बोलते कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड, डिविडेंड कैसे निकलता? 6% निकाल देते 5 पे जो कि आता है 30,000 रुपए। आप बोल रहे हो सर 30,000 रुपए प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पिछले 3 साल से नहीं दिए, इसने लाइन कह दिया है कि पिछले, तो अगर मेरे से पूछो ना सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड, तो मैं कहूंगा सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड कितना है? 90,000। अगर मुझसे पूछते हो कितना बन सकता है तो मैं बोलूंगा 90,000। मैंने बोला कि पेमेंट ही नहीं करनी, सर अगर पेमेंट ही नहीं करनी तो पहले चेक करो कि बैलेंस शीट में एग्जिस्ट है क्या प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, पहले से बैलेंस शीट में है एरियर? अगर एरियर होता तो यहां लिखा होता ना एरियर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 90,000, ऐसे कुछ लिखा होता। क्या है हमारे बैलेंस शीट में पहले से लिखा हुआ? नहीं। और नीचे बोल रहे हो कैंसिल कर रहे हो, तो कोई फायदा कोई नुकसान इसकी एंट्री करेंगे फिर? नो एंट्री, इसकी कोई भी एंट्री। अगर वही यहां पे 90,000 लिखा हुआ होता और नीचे बोल देते कैंसिल, तो फायदा हो जाता हमारा। समझ रहे हो बात को? फिर क्या हो जाता हमारा? फायदा हो जाता। और चाहे मैं बोल देता कि 90,000 में से 50% पे कर रहे हैं तो भी फायदा हो जाता। अगर वही यहां पे प्रेफरेंस या डिविडेंड ना होता और नीचे कैंसिल की जगह पे मैं लिख देता कि सर पेड करना है अब, तो क्या करते हैं? फायदा या नुकसान?
तो लॉस हो जाता, क्योंकि पहले था नहीं, लेकिन अब भी मुझे पेड करना पड़ेगा। समझ में आई बात आपको? समझ में आया? तो यानी जो हमारे यहां पे, ये बहुत गर्म हो गया, जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर देखा जाए, एडजस्टमेंट वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। डी में कहता है एरियर ऑफ प्रेफरेंशियल डिविडेंड इज टू बी कैंसिल। आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सर प्रेफरेंशियल डिविडेंड कैंसिल किया जा रहा है, और पहले था भी नहीं और अब कैंसिल किया जा रहा है, मतलब हम पहले से ही कैंसिल मान चुके थे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, और इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। इसके लिए आपको नोट देना पड़ेगा, नहीं होगा तो मतलब ऐसा नहीं छोड़ देंगे, लास्ट में नोट देंगे कि पॉइंट नंबर डी, प्रेफरेंशियल डिविडेंड हमारा लाइबिलिटी नहीं था और नॉट कंसिडर एज अ लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट एंड कैंसिल, देन नो नीड टू एनी एंट्री पास, कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं। चलिए सर, क्रेडिटर, द क्रेडिटर एग्री टू वेव 30%। वेव क्या है? छोड़ देना। तो क्रेडिटर बोलता है जा, मैंने 30% क्लेम छोड़ दी। भाई क्रेडिटर, अगर तू 30% क्लेम छोड़ रहा है तो हमारा फायदा हो गया। क्रेडिटर है कितने का चेक करते हैं, तो भैया क्रेडिटर था हमारा 1,55,000 का, तो इसका 30% अगर हम निकाले तो कितना बनता है, कितने बनते हैं, निकालो कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर पे निकालो, 46,500। यानी सर 46,500 रुपए का जो क्रेडिटर है, वो क्रेडिटर को पैसे नहीं देने हैं, बाकी का पैसा दे देंगे। समझ रहे हो? तो यहां पे मेरी एंट्री क्या करेंगे सर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट और टू रिकंस्ट्रक्शन। पैंतालीस 46,500। अब बच्चे का एक का सवाल आएगा, सर इसका ऐसे नहीं करेंगे कि सारा क्रेडिटर को डेबिट, फिर क्रेडिट करके न्यू क्रेडिटर, कुछ ऐसे? तो ये वाला पॉइंट सिर्फ शेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी शेयर्स या डिबेंचर पे, बाकी अदर लाइबिलिटी को जितना फायदा हुआ सिर्फ उसी से एंट्री कर, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या करा था सर, यहाँ पे भी फायदा था तो सीधा फायदा करते ना, न्यू पुरानी, क्योंकि यहाँ पे ना शेयर्स का फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए करना पड़ रहा है। तो शेयर्स वाले में आपको पूरा लेना पड़ेगा, बाकी के अंदर तो ये दिखाना पड़ेगा। चलिए, अब रही बात, यहाँ कुछ बच्चे बोल सकते हैं क्या क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करेंगे? नॉर्मली क्रेडिट इंटरेस्ट को पेमेंट करते हैं, डिविडेंड को पेमेंट करते हैं, और बाकी किसी को पेमेंट नहीं करते। अगर हम सभी का ही पेमेंट करने लग गए तो कंपनी तो ठीक ठाक कंडीशन में है भाई, तो हम मान के चल रहे हैं कि पेमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? अगली लाइन में क्या कहता है सर, ऑल एसेट्स वैल्यूड, कहता है बिल्डिंग हो गया 2,50 का। सर बिल्डिंग कितने का था? 2,15। अब कितने का हो गया, बढ़ गया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मैं लिखता जा रहा हूं, बिल्डिंग के बाद देखते हैं, प्लांट 2,25, पहले कितने का था 2,55, यानी इसमें लॉस हो गया, इसको अलग से एंट्री करेंगे। फर्नीचर 55, पहले कितने का था फर्नीचर, ये भी लॉस हो गया, अगली एंट्री में। स्टॉक 80, पहले कितने का था, ये भी लॉस। डेटर 70, पहले कितने का था डेटर, 75, ये भी लॉस। कहता है ऑल राइटिंग ऑफ अदर फिक्टीसियस एसेट्स। सर फिक्टीसियस एसेट्स क्या है, जो लिस्ट लिखवाई थी, प्लांट टू बी रिटर्न ऑफ सो फार एज पॉसिबल। कहता है कि पेटेंट टू बी रिटर्न ऑफ एज फार एज पॉसिबल। आपको पेटेंट भी दे रखा है, सवाल में दे रखा है पेटेंट, कहता है इसको भी रिटर्न ऑफ करना है, लेकिन जितनी जरूरत पड़े उतनी करना। अब जितनी जरूरत कितना वो लास्ट में देख लेंगे। कैपिटल रिजर्व इज टू बी कंटिन्यू इन द बैलेंस शीट, और जो कैपिटल रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है ये एज इट इज बैलेंस शीट के अंदर जाएगा नए वाले में। ड्राफ्ट जर्नल एंट्री अफेक्ट द अबव स्कीम एंड प्रिपेयर द पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट, प्रिपेयर न्यू फॉर्मेट एज पर न्यू फॉर्मेट, नए फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट बनाना है। यहां तक समझ में आ रही बात है? यानी सर अब मुझे बिल्डिंग वाली एक एंट्री कर देनी है, बिल्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन। सर कितने रुपए का फायदा पहुंचा यहां, मैं बींग नहीं लिख रहा इसका, चलेगा ना? कितने का फायदा, 35।
35। अगले पेज पे चल लेते हैं, लॉसेस की एंट्री कर लेते हैं, किस किस का रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, क्या क्या आगे पे था, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, इसकी इकट्ठी कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। और इसके बाद एक और था पेटेंट का, तो अभी पता ही नहीं है ना कितना करना है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट। अब चलिए प्लांट बताइए कितने का डिफरेंस आया। आप देखिए आपके 10 ईयर का एक क्वेश्चन नंबर एक है, अभी नए वाला 10 ईयर मार्केट में नहीं आया, जो आएगा उसी का मैं दिखा रहा हूं आपको। तो कहां गया भाई, पहले बिल्डिंग की बात कर ली, प्लांट कितने का कम हो रहा है, प्लांट कितने का, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्लांट एंड मशीनरी, नहीं पी एंड एल, 4.80 और 20 और 20। चलिए सर अब इन सबको जोड़ के इकट्ठा लिख देंगे यहां पे, आप जोड़ दीजिए इसको क्या बनता है। एक लाख, 4 लाख तो अकेला यही है, नहीं 4 लाख है, 5 लाख, 5 लाख, समझ में आ रहा है। अब एक पेटेंट वाला पॉइंट रह रहा है, पेटेंट का कहना क्या था, एक चलो एक बनाना पड़ेगा अकाउंट। सर कौन सा अकाउंट बनाए, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, यहां से पता चलेगा पेटेंट के साथ क्या करना है। ऑल्दो बिना अकाउंट बना के भी हो जाएगा, लेकिन मैं अकाउंट बना ही देता हूं। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर सबसे पहले फायदे नुकसान की बात, नुकसान में क्या आ जाएगा, 2 प्लांट, 2 फर्नीचर, 2 स्टॉक, 2 डेटर, 2 प्रॉफिट एंड लॉस, 2 डिस्काउंट। सर ये आ जाएगा 30, 5, 10, 5, 4.80, 20। फायदे में क्या था, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बाय इक्विटी शेयर पे भी कमाया, बाय इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे भी कमाया, बाय बिल्डिंग पे भी कमाया था, और किसी पे कमाया क्या, ये देखिए सारे जहां जहां रिकंस्ट्रक्शन क्रेडिट में फायदा है, यहां 2.5 लाख, 2.80 और बाकी आप बताइएगा, 2.5 लाख, 2.80, 15,000 और 35,000 और कुछ था नहीं था, देख बिल्डिंग हो गया, क्रेडिटर रह गया 46,500, क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर, सर टोटल करते हैं, अब दोनों साइड टोटल मैच नहीं होगा ना, हम करते हैं डेबिट, 2.5 लाख, 2.80, 15,000, 35, सर 6,
26500, 626500, पेटेंट 45,000, 45,000, 30, 76,500 डिफरेंस आ रहा है। आप पढ़ लेते हैं लाइन क्या कहता है। कहता है पेटेंट टू बी रिटर्न ऑफ एज फार एज पॉसिबल। अगर आपको लगता है रिटर्न ऑफ करना है तो कर दीजिए। इसका कहने का मतलब था अगर हमारा ये वाला साइड अगर ज्यादा हो रहा होता ना तो पेटेंट रिट ऑफ ऑफ नहीं करते। रिटर्न ऑफ का मतलब आप पेटेंट को कम करोगे, कम करोगे तो इधर आएगा। तो अगर इस साइड मान लेते हैं कि इधर डिफरेंस जो बच रहा होता, जैसे अभी 76,500 बच रहा है और मान लो पेटेंट होता 80,000 का, पेटेंट कितने का होता, तो हम 80 कम नहीं कर सकते थे, सिर्फ 76,500 कम करते और बाकी पेटेंट बच जाता। समझ रहे हो। अब यहां पे पेटेंट हमारा इतने का नहीं है, पेटेंट कितने का है, पेटेंट कितने का है, 45,000। तो सर ये 45 और जो बाकी बच गए वो चला जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, दैट इज 31। अब ये दो जर्नल एंट्री और भी करनी होंगी आपको, पेटेंट रिकंस्ट्रक्शन। टू पेटेंट अगले पॉइंट की बात करते हैं। रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व, सर प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट यहां क्यों आया, क्योंकि उसे राइट ऑफ करना था, उसे एसेट साइड से जीरो करना था, इसलिए हमने यहां लिया। पेटेंट वाला पॉइंट फिर से बता दें, पेटेंट वाले का मतलब बड़ा सीधा सा बात है कि पेटेंट को कहा गया कि राइट ऑफ करना भी और नहीं करना। राइट ऑफ का मतलब आपको डेबिट साइड में दिखाना है, तो आप पहले ये अकाउंट बना के, सवाल में कह रहा था अगर सवाल में ये शब्द नहीं होता तो मैं डायरेक्ट राइट ऑफ ही कर देता। तो हमने क्या करा, देखा यहां कितने की कमी हो रही है, तो उस हिसाब से 45,000 पीछे क्वेश्चन में देखोगे तो दे रखा था पेटेंट, तो मैंने ये पूरा 45 ही लिख दिया। देखो पेटेंट 45 का ही है ना, ये देखो इसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, बताइए किसी को दिक्कत, एक बार दिखाने यहां तक किसी को प्रॉब्लम। यहां तक किसी बच्चे को डाउट, सर गुडविल वाला पॉइंट गुडविल था नहीं, अगर गुडविल होता है ना तो गुडविल को हम राइट ऑफ कर देते हैं, वैसे सवाल बोलेगा आप। जिसका भी डाउट है कमेंट में लिखिए। सर क्रेडिट रिपीट कर दो, देखिए मैं बड़ा सिंपल शब्द में समझाता हूं, अभी तो और भी क्वेश्चन आएंगे, एक में इतने सारे डाउट आ जाएंगे आपके। क्वेश्चन में कह रहा था पेटेंट को रिटर्न ऑफ करिए लेकिन जितना पॉसिबल होता है, तो जब मैंने मान लेते हैं कि पेटेंट है नहीं यहां, मैं सपोज करो मान लेता हूं पेटेंट नहीं है, और अगर पेटेंट नहीं है तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, और मैंने चेक किया तो इस साइड बैलेंसिंग फिगर निकल रहा था 76,500 का, और मैंने पेटेंट को जाके चेक किया तो वो 45 था। तो यानी हम पेटेंट पूरा लिख दें इधर तब भी बैलेंस बचेगा। अगर ऐसा होता है पेटेंट लिखने के बाद इधर बैलेंस नहीं बच रहा है,
मान लो आपका पेटेंट होता 80,000, तो अगर मैं यहां पे 80,000 लिख दूं तो बैलेंस इधर आ जाएगा। तो बोला ऐसा मत कर, मतलब उतना ही पेटेंट को इस्तेमाल यहां पे करो जितने की जरूरत हो। तो यहां पे देखा जाए तो पूरी जरूरत पड़ रही थी पेटेंट को राइट ऑफ करने की, तो इसलिए मैंने पूरे 45,000 कर दिए। बाकी इस पैटर्न पे अभी और सवाल आएंगे, अभी तो फर्स्ट सवाल ही कर रहे हैं, अभी तो इसका बैलेंस शीट भी बनाना है। तो अगर मैं बात करूं ना सवाल में, तो जनरल एंट्री में आप भी देख रहे हो कोई मुश्किल नहीं हो, और इनफैक्ट एक क्लास हमने बेसिक करा उसके सीधा एग्जाम में 15 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आया होगा, और जिसमें आप देख रहे हो कि समझने की, आप 12वीं क्लास याद करो, आपको 8 नंबर के क्वेश्चन करने के लिए पहले 50-80 क्वेश्चन करने पड़ते थे उससे पहले, जो एडजस्टेड कैपिटल तक पहुंचने के लिए पहले 70-80 क्वेश्चन करने पड़ते थे, आपको टॉपिक सीखने पड़ते थे। लेकिन इसमें मजे की बात है, एक क्लास के अंदर बस कॉन्सेप्ट समझा और सीधा एग्जाम वाला क्वेश्चन कर पाएंगे, समझ रहे हो। लेकिन हाँ लेंदी है, क्योंकि इसके बाद अब क्या बनना है हमारा, बैलेंस शीट, वो भी नए फॉर्मेट से। सर क्वेश्चन जीआर मोंगा में कहाँ है? जीआर मोंगा में नहीं, ये पास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं सीधा भी। चलिए सर बैलेंस शीट बनाए। अब मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा बच्चों को, जिन बच्चों ने बैलेंस शीट, मैं बैलेंस शीट यहां बना रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बैलेंस शीट समझ में ना आए, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही होगा जो अभी अभी 12th क्लास में आपने सीखा था कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आता, उन बच्चों के लिए मैं अलग से एक रिकॉर्ड कर दूंगा कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको बैलेंस शीट के बारे में पता चल जाए कि हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ओनली, क्या आइटम आएगा पी एंड एल में, क्या आएगा बैलेंस शीट में, क्या आएगा, और एक सवाल भी दे दूंगा जिससे आपको फ्रिक्वेंटली पता चल जाएगा हाँ इस टाइप का है। अभी फिलहाल के लिए मैं बना रहा हूं, तो जिसको ना भी समझ में आए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, सर ये तो नहीं पता था हमें। तो बैलेंस शीट में बेसिकली इधर आता है नोट, और इधर आता है अमाउंट, और इधर आता है हमारा पर्टिकुलर, और इधर आता है बैलेंस शीट, और यहां फर्स्ट पॉइंट लिखा जाता है इक्विटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है ये, तो मैं उसकी अलग से क्लासेस बता दूंगा आपको, वीडियोस दे दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बस कंसंट्रेशन करके देखना होगा। ए पार्ट आता है शेयर कैपिटल, सॉरी शेयर होल्डर फंड, पहले आएगा हमारा शेयर। आपने 12th क्लास में बस हेडिंग सब हेडिंग करा था, ए पार्ट शेयर कैपिटल, बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस, मुझे तो याद है इसलिए मैं फटाफट लिख देता हूं। दूसरा नॉन करंट लाइबिलिटी, थर्ड करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी के अंदर पॉइंट्स आ जाता है नंबर 1। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट आते हैं, लेकिन मैं सवाल को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आएगा सन्ड्री क्रेडिट है, और कुछ नहीं है, तो ट्रेड पेबल लिख दिया जाए। नंबर टोटल, इसके बाद यहां आ जाएगा सर एसेट्स, यहां आ जाएगा एसेट, एसेट्स के अंदर हमारा ए पार्ट आएगा फर्स्ट पार्ट नॉन करंट एसेट्स, इसके बाद ए पार्ट फिक्स एसेट्स, और इसके अंदर आ जाएगा पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये तो अभी करा था आपने, और कुछ है नहीं इसके अंदर। दूसरा पार्ट आ जाएगा करंट एसेट, जो चीजें बैलेंस शीट का यूज होने वाला है सिर्फ उसी को ध्यान में रख के मैं करता हूं, बाकी चीजें मैं नहीं लिख रहा यहां पे, एक क्लास में आपको दूंगा तब लिखूंगा मैं। इसके अंदर फर्स्ट ए पार्ट आ जाएगा हमारा, क्या क्या आएगा, इन्वेंट्री है क्या? बिल्कुल है इन्वेंट्री, बी पार्ट आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल,
सी पार्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर इधर नोट बनाना होगा। जिस जिस के अंदर एसेट्स में एडजस्टमेंट था सबका नोट बनेगा। नंबर वन शेयर कैपिटल, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर इक्विटी शेयर कैपिटल सवाल में देखो तो पहले कितने का था? सर पहले 4 लाख का। माइनस रिकंस्ट्रक्शन, कितने का रिकंस्ट्रक्शन हो गया था सर? 280। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सर 5 लाख का था। माइनस रिकंस्ट्रक्शन, कितने का रिकंस्ट्रक्शन हुआ था? 250। ये बच गया हमारा 1 लाख, कितने बचे? और ये बच गया हमारा, लो जी लो, ये डन, शेयर कैपिटल का यही पार्ट है। तो 3,70,000, और यही 3,70,000 यहां पे आ जाएगा नोट नंबर वन। नोट नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर टू रिजर्व एंड सरप्लस। सर रिजर्व एंड सरप्लस में आप देखो ना, तो पहले से हमारे पास कैपिटल रिजर्व था, एक नया कैपिटल रिजर्व और आया है। तो कैपिटल रिजर्व पहले से कितने का था? कैपिटल रिजर्व पहले से हमारा कैपिटल रिजर्व था 25, और नया नया क्या आया? प्लस न्यू। आप इसको थोड़ा फेयर करके चलेंगे, फेयर इन द सेंस मैंने लाइन नहीं खींचा, हालांकि एक लाइन और खींच सकते हैं, फिर टोटलिंग करके दिखा देंगे। 10 ईयर में प्रॉपर किया हुआ है वैसे कर सकते हैं। कितने हो गए टोटल? ये 56,500। सर नोट नंबर टू, नोट नंबर टू के बाद नोट नंबर थ्री की कोई जरूरत ही नहीं है, नोट नंबर थ्री की कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए नोट नंबर थ्री में अकेला डिबेंचर था और अकेला ही रह गया। सर नोट नंबर थ्री में अकेला डिबेंचर 2 लाख का और अकेला ही रह गया। कहां गया? नॉन करंट लाइबिलिटी में। इसके अंदर ए पार्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिबेंचर। कितने का था बताओ? 2 लाख। करंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल, आप दिखाना चाहते हो तो यही दिखा सकते हो। सर ट्रेड पेबल जो है ना हमारा 46,500 से कम हो गया था। कितने का बताओ? था कितने का? 1,55 माइनस 46,500, तो बचा कितने का? माइनस कर दो, फिर कैलकुलेटर नहीं लाया आज। भाई बाकी जितने बच्चे हैं कैलकुलेटर लेके नहीं आए, अगली क्लास में लेके आएंगे। समझ में आया? एसेट्स पे आ जाओ, पीपीई नोट नंबर तीन। पीपीई सर बिल्डिंग है,
सर फर्नीचर है, सर प्लांट है, बस यही है फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग था कितने का, कितने का था? 2,15 का था। और बचा कितने का, माइनस कितने का हुआ, प्लस हुआ? तो 2,50। ऐसे कर सकते हो। फर्नीचर सात, 7 लाख, अच्छा 60,000 बचा। और क्या हुआ, घट गया था? प्लांट कितने का और कितने घट गए, 2 लाख। भाई साहब ये है पीपी, पांच तीस, और 5,30। इसको क्या बोलते हैं, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट, पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। सर इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यहीं कर देते हैं। इन्वेंट्री था कितने का, क्या तो है ही नहीं, जीरो हो गया ना, तो कहां लिखेंगे? कुछ चीजें पेटेंट जिसको जीरो कर दिया, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आगे धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा बैलेंस शीट के अंदर, जैसे जैसे अभी सिंपल सिंपल तरीके से कर रहे हैं। स्टॉक कितने का था, 10,000 का घट गया, ट्रेड रिसीवेबल 70 हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है ना, 75 से 70 हो गया। अब यहां कैश के अंदर कितना बैलेंस था, कैश का बैलेंस आप चेक करो, कैश का बैलेंस 2,500। ओ माय गॉड, जिसमें से 15,000 कैसे पेड कर दिया, पंद्रह हजार हमने पेड करा है ना, तो हो तो सकता नहीं। अब लोन लेना पड़ेगा हमें, यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जब ऐसी समस्या आ जाए तो 2,500 माइनस 15,000, तो भाई साहब कैश में तो जीरो, और ये पहुंच जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। अभी लेके आते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट याद है ना, हो जाता है जब ज्यादा पैसे ले लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग। बहुत सिंपल लिख रहा हूं, कितने माइनस करके जो भी आएगा यहां आ जाएगा, क्या 2,500 है बैंक बैलेंस, दो दो बैलेंस है। ये लोग 10 ईयर लेके बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। सर बैंक में 12,500 कैश में, टेंशन खत्म। 15 पूरे हो गए, फालतू में टेंशन ले रहे थे। लो जी, यहां कुछ नहीं होगा, ये अब टोटल करो दोनों साइड मैच, 370, 56,500, 2 लाख, 7,35। अब भाई साहब 7,35 ये भी होना चाहिए, 7,35 तो हो ही नहीं रहा। छे 80, कुछ और रह गया, एक्रूड इंटरेस्ट रह गया,
सर इसके अंदर आपने बैंक हो गया, कैश हो गया, ये हट गया, स्टॉक इन हैंड हो गया, डेटर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, ये सारा सही बताया आपने। गुडविल कहाँ है? अच्छा ऊपर है। हाँ गुडविल रह गया ना 55, इसमें 55 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। पेटेंट नहीं, गुडविल रह गया। तो यहाँ पे डाल देते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। पचपन हजार ना, 735, ठीक है। मैंने बहुत बेकार बैलेंस शीट बनाया है, प्रेजेंटेशन पे इतना ज़्यादा मैं लेंदी में नहीं गया। गुनगुन अच्छा, ये मैंने प्रेजेंटेशन इतना इलेबरेट नहीं किया, क्योंकि अगर इलेबरेट करूँगा तो बच्चे बोलेंगे पता नहीं क्या क्या आ रहा है। जिनको बैलेंस शीट नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अलग से मैं फाइनल अकाउंट के कुछ वीडियोस मैंने बनाई है जिसके अंदर बैलेंस शीट पूरा कराया हुआ है, वो वीडियोस मैं आपको शेयर करूंगा। और वो देख के अगली क्लास में बैठोगे तो लगेगा ये बच्चों वाला खेल है। मेजर आज की क्लास, अगर मैं अभी तक की क्लास के अंदर बोलूँ तो बच्चों को क्या समझ में आना चाहिए? जिसको बैलेंस शीट समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, जिसको ये एंट्री समझ में नहीं आए बहुत समस्या है। यानी एंट्री समझ में आना जरूरी है और रिकंस्ट्रक्शन समझ में आना जरूरी है। बैलेंस शीट इसलिए मैंने बहुत रफली जल्दी जल्दी कर दिया इधर माइनस प्लस करके, इसके लिए अलग से एक क्लास डालूंगा जो आपको देख के अगली क्लास में आनी है। बच्चे कह रहे हैं गुडविल रिटर्न ऑफ कर दो, तो गुडविल मैंने लिखा था क्या पीछे? गुडविल, गुडविल के लिए बोलता है स्पेशली, इसे हटा देते हैं यहां से। गुडविल के लिए ना बोलेगा स्पेशली, पेटेंट और गुडविल के लिए बोलेगा वो, या इफ गिवन, गुडविल के लिए बोलेगा। मैंने शायद लास्ट क्लास में बोल दिया था कि गुडविल रिटर्न ऑफ होगा, बाकी तो हो जाएंगे, बाकी गुडविल और पेटेंट के लिए स्पेशली बोलेगा वो डिसोल्यूशन के अंदर होता है, मेरे दिमाग में डिसोल्यूशन रह गया था। वैसे मैक्सिमम चांस तक बोल देता है कि रिटर्न ऑफ कर दो। गुडविल को रिटर्न ऑफ, सर इंटेंजिबल एसेट्स के बिना बोले नहीं करने, सिर्फ गुडविल और पेटेंट की पायल। गुडविल और पेटेंट शायद मैंने लास्ट क्लास में लिख दिया था राइट ऑफ करना है, लेकिन उसमें गिवन होगा तो करना होता है, और उसे राइट ऑफ शब्द के अंदर होता है, इसलिए मैंने डाल दिया था वहां पे। बाकी और अदर जो दिखाए थे लिस्ट में वो होगा, वो आपको मिल जाएगा अपडेट होके। एक सवाल ये, और ये नई बैलेंस शीट के साथ है, नई भी नहीं है, फॉर्मेट तो कराई नहीं, ये 2015 में आया। मैं इस सवाल को कराऊंगा नहीं, समझाऊंगा और होमवर्क में दूंगा आपको, ठीक है? एक सवाल तो होमवर्क में होना चाहिए। कहता है अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप, फुल एंड इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस टू 4। कहने का मतलब है भैया जो इक्विटी शेयर 8 है ना, 2 रुपये और मंगवा लो, तो 20,000 पे 2 रुपये और मंगवाओगे तो एंट्री क्या होगा? मैं पहली एंट्री रफली करता जाऊंगा, समझना आप। जब 20 रुपए से दो कितने 20,000 से 2 रुपए मंगवाओगे तो एंट्री होगा बैंक, या पहले फाइनल कॉल की एंट्री कैसे करते हैं, लास्ट ही बचा हुआ है ना, तो करेंगे शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर 20,000 है और इंटू में 2 यानी,
और अगली एंट्री हो जाएगा बैंक टू फाइनल कॉल, ये आपने ट्वेल्थ क्लास में भी किया हुआ है और बाकी भी किया हुआ है, ठीक है। अब कहता है इसको कैंसिल करो, तो अब करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन। सर टोटल जो होगा ना 40, और पहले से ऑलरेडी हमारे पास 16 है, एक मिनट, 20,000 इंटू में 10, 20,000 इंटू 8, 20,000 इंटू 8 कितने होते हैं, लेकिन वहां 16 क्यों है, यानी ये 2 लाख है, एक जीरो मिसिंग है, ये 2 लाख है, एक जीरो मिसिंग है सर, तो ये 4 लाख हो जाएगा, ठीक है, 4 लाख हो जाएगा, तो यहां टोटल 20 लाख आएगा। न्यू कितने का देना है सर आपको, 2 लाख शेयर है, न्यू 4 का देना है, तो 4 8 लाख हो जाएगा, 12 लाख का फायदा। पहली एंट्री डन, मैं रफली बता रहा हूं आपको, देखने के बाद समझना, हाँ ऐसे ऐसे होगा बस, ये बाकी फेयर आपको करना है, समझ में आई बात आपको, ठीक है। अगला, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एरियर इन 4 ईयर विच प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू फोरगो, फोरगो मतलब छोड़ दिया, तो पहले चेक करो भाई प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड था नहीं था, और उसने छोड़ दिया प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, कोई एंट्री नहीं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। 12% डिबेंचर एक्सेप्ट 6500 रुपए वर्थ 14% डिबेंचर इन फुल सेटिस्फेक्शन देयर क्लेम, कहता है भैया डिबेंचर कितने के थे, 31 के, 31 के डिबेंचर को बोला गया भैया एक काम कर, तेरे 12% डिबेंचर थे ना, तेरे को 65,000 रुपए के 14% डिबेंचर कर देते हैं, बस तेरा अमाउंट घटा देते हैं और तेरा रेट बढ़ा देंगे 14%, तो एंट्री क्या होगा, 12% डिबेंचर पूरा खत्म हो जाएगा 31 का, न्यू डिबेंचर मिल जाएगा कितने 14% वाला, कितने का 65 का, बाकी चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में जो भी जाना हो जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर आर टू बी फोरगो 20%, क्रेडिटर बोलता है मेरे को 20% नहीं चाहिए, तो ठीक है फायदा हो जाएगा। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% मेंस अगेंस्ट सन्ड्री डेटर, तो डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाओगे तो नुकसान हो जाएगा 5%। अगला कहता है इन्वेंट्री आर टू बी ओवर वैल्यूड बाय 1 लाख, पहले से इन्वेंट्री जो है यहाँ पे, जो इन्वेंट्री है यहाँ पे वो ज्यादा करके 1 लाख दिखाया हुआ है, तो आप सही करने के लिए घटा दोगे, फिर से नुकसान हो गया हमारा, समझ में आई बात आपको। इसके बाद क्या कहता है कि मशीनरी ब्रॉड डाउन टू 4 लाख, मशीनरी 4 लाख रुपए का हो गया है, ब्रॉड डाउन टू रुपीज 4 लाख का मतलब है कि अब 4 लाख रुपए का हो गया है, पहले सर कितने का था मशीनरी 6, यानी 2 लाख का नुकसान। आगे कहता है राइट ऑफ गुडविल एंड लॉस, अब देखो यहां बोल दिया इसने राइट ऑफ गुडविल, तो अब हम राइट ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ गुडविल एंड लॉस ऑफ द कंपनी, तो सर ये हमारा गुडविल और लॉस ऑफ द कंपनी कहां मिलेगा, ये रहा सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट, नेगेटिव में लॉस, तो ये राइट ऑफ का मतलब 0। सवाल समझ में आया, हो जाएगा ये सवाल। नीचे कहता है यू आर रिक्वायर्ड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, लेकिन मैं कहूंगा रिकंस्ट्रक्शन भी बनाएंगे आप। डबल क्लिक करके देखो, उसके लिए अलग से क्लास संडे अपॉइंट कर रहा हूं, जो कैश फ्लो के कुछ पोर्शन रह गया था ना वो संडे लेंगे सुबह 9 बजे। थ्योरी कितने नंबर का आएगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एग्जामिनर चेंज हो गया है तो कुछ भी डाल देते हैं वो। संडे सर बार बार स्क्रीन ऑफ हो रही है, एक बार रीस्टार्ट करो आप, मतलब के कनेक्ट करके बंद करके एप्लीकेशन चालू करो। सर लॉस रिकंस्ट्रक्शन में शो होगा, किस लॉस की बात करें, बिल्कुल होगा, अभी कराया स्वाति, एमसीक्यू बिल्कुल, एमसीक्यू के एक आध क्वेश्चन ऐसा नहीं ट्रू फॉल्स आते हैं और वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू एसएच नहीं आएगा। आप पहले यह जवाब दीजिए मुझे, ये सवाल कर पाएंगे या मैं पूरा करूं, हो जाएगा। चलिए सर एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहने वाला है कि फायदा है तो रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करिए, नुकसान है तो रिकंस्ट्रक्शन को डेबिट करिए। अब आपको सोचना है कि किस ट्रांजैक्शन की वजह से फायदा और नुकसान है। एक और सवाल एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये भी,
हमें इस चैप्टर के अंदर अगर देखा जाए ना, तो समझना क्या है इनके लैंग्वेज। मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ सिर्फ आपके इसके लैंग्वेज को समझा सकूँ, और कोई दूसरा रीजन बचता नहीं क्वेश्चन करने का। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है तो आप भी सेल्फ कर सकते हो। तो सर क्वेश्चन में क्या कहता है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स गिवन है पहले से, एसेट्स और लाइबिलिटी। कहता है ड्यू टू हैवी लॉस, बहुत लॉस के कारण द फॉलोइंग स्कीम रिकंस्ट्रक्शन एग्रीड, मतलब बहुत भारी नुकसान चल रहा था काफी समय से, और हमने अब डिसाइड किया कि हम क्या कर लेंगे, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कहता है टू मेक एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर टू फुल्ली पेड देन रिड्यूस टू 20 ईच। कहने का मतलब है जो सर पहले से ही आपके पास इक्विटी शेयर है ना, उसको पहले फुल्ली पेड अप बनाइए। तो देखिए 100 रुपये का था और 60 रुपये पेड अप था, तो आप ध्यान दीजिएगा 10,000 पे 40 रुपये और मांगना है। तो पहली एंट्री क्या करने वाले हैं हम, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट क्या आएगा अब सर, सर 10,000 शेयर है और फाइनल कॉल के लिए 40 और मंगवा लेना चाहिए, दैट इज 4 लाख। इसके बाद क्या होगा सर, बैंक में पैसे आ जाएंगे। बीइंग पे फोकस नहीं कर रहा मैं, आपको पता है फाइनल कॉल की क्या करना चाहिए, सिंपल है, बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू, बैंक में पेमेंट आ जाना है, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 4 लाख, 4 लाख। नाउ अब क्वेश्चन ने बोला कि इसको रिड्यूस कर दो, कहां तक कर दो रिड्यूस, 20 रुपए तक। रिड्यूस टू शब्द है, लास्ट क्लास में बताया था टू का मतलब अब 20 का हो गया। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, पहले ओल्ड वाले इक्विटी शेयर को डेबिट कर देंगे, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन बच्चा बताएगा ओल्ड इक्विटी शेयर कितना है, नंबर नहीं अमाउंट बताना, ओल्ड इक्विटी शेयर कितना है बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में। जल्दी बताइए, बच्चे कह रहे हैं 2 लाख, 6 लाख। सर ओल्ड इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में 6 लाख है, लेकिन याद करिए 4 और भी मंगवा लिए तो टोटल कितने हो गए, तो आपको पुराने इक्विटी शेयर को डेबिट करना पड़ेगा 10 लाख से, और आपने न्यू इक्विटी शेयर प्रॉमिस किया कि मैं आपको नए वाला इक्विटी शेयर दूंगा साहब, तो नए वाला जो बता रहे थे ना बच्चे 2 लाख, वो सही होगा, नए वाला 20 रुपए के हिसाब से, तो नए वाला 2 लाख होना है। और फायदा ही फायदा, कितना फायदा, 8 लाख रुपए का फायदा तो चला गया रिकंस्ट्रक्शन में। पहली क्लास में बींग वगैरह लिखवाया था मैंने इसका, के इक्विटी शेयर कैपिटल रिड्यूस टू, वही लिखना है आपको, ठीक है। चलिए सर एक एडजस्टमेंट डन। दूसरा टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर बाय इशू 6,015% डिबेंचर। जब आ जाए ना शब्द डिबेंचर होल्डर तो थोड़ा अलर्ट हो जाना, वहां पे इंटरेस्ट के साथ उसका मतलब होता है। अगर मैं बोलूं डिबेंचर वालों के पैसे रिटर्न करिए तो सिर्फ डिबेंचर का पैसा, डिबेंचर होल्डर में इंटरेस्ट भी होता है, तो क्या यहाँ इंटरेस्ट है या नहीं है चेक कर लेते हैं। तो यस सर और यस सर, यानी इनका अगर मैं ड्यू बताऊं तो 8 लाख ये प्लस 80,000, यानी इसको देना था 8,80,000 रुपये देना, इसको डिस्चार्ज करा और मैंने बोला ले भाई तू 6,100 रुपये वाला एक फ्रेश 15% वाला डिबेंचर दे रहे हैं, पहले तेरे को कितना मिलता था 10, अब परसेंटेज बदल देंगे। तो यानी सबसे पहले तो मैं ओल्ड वाला डिबेंचर कर दूं डेबिट, 10% डिबेंचर खत्म करो उसको, कितना है ओल्ड वाला, इंटरेस्ट को भी खत्म करो, कितने हैं नए डिबेंचर दो भाई साहब इसको, कितने परसेंट वाला, 15% वाला डिबेंचर कितने दोगे सर, आपको कैसे पता चला, कह रखा है ये तो, समझ में आया।
और टू फायदा ही फायदा, कितना 8.80 के बजाय 6 लाख दे दिए, 2.80 तो कहाँ चला जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन में 2 लाख लीजिए सर, हो गया ठीक है। थर्ड कहता है पे 3 लाख रुपए, पे कहता है 3 लाख रुपए टू मिस्टर यादव, वन ऑफ द क्रेडिटर। इसका मतलब सर ये क्रेडिटर तो ढेर सारा है, इसमें से वन ऑफ द क्रेडिटर कह रहा है, मतलब इसमें से कोई एक क्रेडिटर रहा होगा। वन ऑफ द क्रेडिटर इन फुल सेटिस्फेक्शन हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को फुल सेटिस्फेक्शन मतलब पूरा देते हुए अलॉट 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 रुपीज ईच एट पार, डिस्चार्ज द रिमेनिंग क्रेडिटर। कहता है भैया जो भी क्रेडिटर था ना, हमने इसका निपटारा देखो कैसे किया, यहां देखिएगा। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा हम स्पेस बना लेते हैं, क्वेश्चन के तो स्पेस को सेम ही रखते हैं विजुअलिटी के लिए, है ना, यहां बनाते हैं। कहने का मतलब भैया क्रेडिटर कितना था, देखो इंक्लूडिंग मिस्टर यादव 8.50, तो सर 11,50,000 का क्रेडिटर है, जिसमें से यादव भाई साहब, यादव भाई साहब का कितना है 8.50, तो बाकी बचे हुए का कितना होगा 3 लाख, दूसरा कोई होगा। बोला कि 3 लाख रुपए पे कर दो, पैसा दे दो 3 लाख रुपए किसको, भैया इसको 3 लाख दे दिया, यहां फायदा ही फायदा, कितने का समझे। और जो बच गए, बच गए कौन, बच गए, बच गया कौन रिमेनिंग, इसके बारे में क्या कह रहा है, इसके बारे में कह रहा है जो बच गए उसको अलॉट कर दो, मतलब अलॉट का मतलब दे दो 15,000 फ्रेश इक्विटी 20 रुपए वाला एट पार। ओके, तो इसका मतलब 15,000 इंटू में 20, तो देखा जाए तो 3 लाख रुपए दे रहे हैं, तो इसमें कुछ फायदा नहीं हुआ, तीन थे बचे हुए उसको मैंने कितना दिया 3 दिया। एंट्री देखिए, क्रेडिटर हटा देते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कितने से 11,50,000, बैंक से पैसा दे दो कितना देने वाले हो 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल दे दो कितना देने वाले हो, बाकी फायदा हो गया जो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में, कितने 5,50,000। किसी बच्चे को डाउट, बींग क्या होगा सर, बींग वही होगा आपका क्रेडिटर पेड या क्रेडिटर डिस्चार्ज, 2.80। गुनगुन ने सही जवाब दिया सर 2.80, किसका 2.80 दिया मुझे, अभी तक तो 2.80 है ही। अच्छा अभी वहां पे है। आप बताइए फटाफट, किसी का कोई डाउट इसमें, ये समझ में आ रहा है, तो आप देखोगे तो अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो एंट्री करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर एंट्री समझ में आ गई, क्योंकि सवाल में घुमाया इसने, बोला भैया क्रेडिटर हमारा कितने का है। देखिए सवाल में, आप सवाल को पढ़िए पहले, सवाल में कहता है हमारे पास क्रेडिटर कितने का है 11,50 का, सर कैसे पता चला ये देखो, और यहीं पे ब्रैकेट में कह देता था इसमें 8.50 इंक्लूडेड है ना, 8.50 इंक्लूडेड है, तो भैया 8.50 यादव का अलग कर दिया और बाकी देखा किसी दूसरे का कितना होगा, तो बोला इसको तो 3 लाख ही दो तुम क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब भैया तेरे को 3 देंगे, बाकी कुछ हिसाब किताब लेना देना बराबर हो जाएगा, इसका मतलब बाकी 5,50 इसको देना ही नहीं है तो फायदा है, बाकी जो बच गया उसको 3 लाख के इक्विटी शेयर कह दिए इसने कि अलॉट कर दो, तो ये दे दिया। जनरल एंट्री क्रेडिटर खत्म, बैंक से 3 लाख रुपए यादव जी को दे दिया, इसके बाद इक्विटी शेयर 3 लाख के बाकी वाले को दे दिया और फायदा पहुंच गया हमारा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के, कोई दिक्कत, क्लियर। अगली लाइन को पढ़ते हैं, सर द अमाउंट ऑफ अवेलेबल यूज टू राइटिंग ऑफ नेगेटिव बैलेंस
सरप्लस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल अकाउंट कंप्लीटली एंड द रिड्यूस द अदर फिक्स एसेट्स बाय 5 लाख। बोला गया भैया एक काम करना है, यहाँ पे जो आपके नेगेटिव बैलेंस है उसको राइट ऑफ करो, गुडविल को जीरो करो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को जीरो करो और सरप्लस को जीरो करो, जो ये नेगेटिव वाला है कहाँ गया, ये रहा, इसको खत्म करो और एसेट्स को रिड्यूस कर दो 5 लाख से। सर एसेट्स था कितने का? 6-10 का, और उसको कह रहा है 5 लाख रुपए से कम कर दो। तो ये सारा लॉस वाला एंट्री हो गया एक तरीके से। लास्ट में कहता है पास जर्नल एंट्री जो कर रहे हैं प्रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट सीखा हुआ ही है, बैंक अकाउंट भी बनाना है पोस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। समझ में आई बात आपको? तो एक अगली एंट्री हम ये सारा राइट ऑफ करते हैं अगले पेज पे। तो क्या क्या राइट ऑफ करना है? तो यहां पे क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बताओ बिल्डिंग। चलिए सर बिल्डिंग को 5 लाख से कह दिया मैं 5 लाख। सर P&L कितने का था चेक करो, 10 लाख। तो माइनस का ही तो था, क्रेडिट तभी तो आया है। अरे आ गया हम तो साहब, अब गुडविल कितने का है? 90 का और प्रिलिमिनरी 20 का। तो 90 और 20 टोटल कर लो 15 लाख, 16 लाख 10 हजार। एक एंट्री और पास करना पड़ता है हमें, वो सबसे लास्ट में, कौन सी वाली, कैपिटल रिजर्व वाली। उसके लिए आप या तो माइनस प्लस करके देख लो या फिर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लो। सवाल में कह ही रखा है रिकंस्ट्रक्शन बनाने को, तो बना लेते हैं। सवाल में कह रखा है रिकंस्ट्रक्शन। सर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, और ये सवाल ना पता है एग्जाम में आधे घंटे से पहले हो जाता है, फटाफट हो जाता है ये सवाल। अभी देखो मेरे को सवाल आज करेंगे 2-3 सवाल फटाफट। चलिए सर इस साइड में क्या आएगा, सर बाय साइड में आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, बाय साइड में आएगा क्रेडिटर, बाय साइड में आएगा डिबेंचर, बाय साइड में आएगा और क्या आना था, चलो टू साइड में आएगा बिल्डिंग, टू साइड में आएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू साइड में आएगा गुडविल और टू साइड में आएगा बिल्डिंग। तो लिख ही दिया फिक्स एसेट्स का बिल्डिंग ही है, गुडविल प्रिलिमिनरी हो गया, 1, 2, 3, 4 यहां तो 3 ही है, क्या रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस। सर 5 लाख नहीं, पांच लाख, 10 लाख और 90 हजार और 20 हजार। चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल, सर इक्विटी शेयर कैपिटल का फायदा बहुत मोटा फायदा हो गया, क्रेडिटर का फायदा है 5,50,000, 2,80,000 और भी कोई फायदा है, बस। चलिए टोटल किसका ज्यादा है, इस साइड का 8, 5, 13 और 2, 16, 20। और कई बार है ना दोनों साइड बराबर हो जाता है, टू कैपिटल रिजर्व 20,000। एक एंट्री और क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन
टू कैपिटल रिजर्व 20,000। बैलेंस शीट बचा तो मैं बैलेंस शीट इसी में मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। मैंने आप चेक करोगे ना बैलेंस शीट, मैंने जो बच्चे लाइव क्लासेस ले रहे हैं उनके फोल्डर में डाल दिया अलग से बैलेंस शीट फॉर्मेट। पहले आप अगली क्लास में उसे नोट करोगे फिर आपको समझ में आएगा, या आप पहले पढ़ोगे तो जिसने पढ़ लिया उसको समझ में आ जाएगा। तो सर चेंजेस क्या करना है, अब जो इक्विटी है ना कितना हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा हमारा डिबेंचर कितना हो जाएगा, इधर देखिए सर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सर बैंक ओवरड्राफ्ट एज इट इज रह जाएगा, सर क्रेडिटर कितना हो जाएगा, कुछ नहीं जीरो हो जाएगा ये भी, सर गुडविल क्या होगा, सर एसेट्स क्या हो जाएगा, सर इन्वेंट्री 4 लाख ही रहने वाला है, ट्रेड डेटर 5-60 ही रहेगा, और ये हो जाएगा जीरो। समझ रहे हो, बस बैंक के बैलेंस के अंदर प्लस होगा। यहाँ बैंक दे नहीं रखा क्योंकि आपने 4 लाख रुपए मंगाया था, तो ओवरड्राफ्ट यहाँ पे एक पॉइंट क्या आ जाएगा सर, बैंक आ जाएगा 350। कितने बच्चों को समझ में आया मैंने शॉर्टकट करा, और एक पेमेंट भी किया था भूल गया, ये तो 3-1 को पेमेंट किया मैं, यहाँ बैंक का हिसाब किताब समझ, बैंक अकाउंट बनाते हैं आपके लिए, चलो बनाना ही है तो बनाते हैं आपके लिए, ये लीजिए बैंक अकाउंट। साहब बैंक अकाउंट देखिए आप, सबसे पहले बैंक में बैलेंस है नहीं, बैंक अकाउंट बनवा रहे हैं तो बैंक में बैलेंस नहीं है, ओवरड्राफ्ट तो है, तो बैलेंस बीडी यहां से शुरू होगा, ओवरड्राफ्ट 50 का था, इधर से पेड करते जाओ सॉरी इधर से रिसीव करते जाओ, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पैसे मिले थे 4 लाख, इधर से पेड करते जाओ, क्रेडिटर को सर पेड किए थे नहीं, क्रेडिटर को किए थे नहीं, करें बिल्कुल, फिर क्रेडिटर को करें, कितने पेड किए हैं 3 लाख बस, और किसी को दिए पैसे वैसे 4 लाख, 4 लाख बाय बैलेंस सीडी कितने 50,000, 50 ही बचे ना, अब ये 50,000 सीडी बच रहा है तो कहाँ चला जाएगा, हमारे नए वाले बैलेंस शीट के अंदर। मैं दोबारा काट के बता दूं आपको, ये जो मैंने 50 लिखा है ये नहीं बचेगा, इसकी जगह पे कैश बैंक का बैलेंस कितना आ जाएगा, यार ये ठीक है, अब क्लियर ठीक है, मैच करो भाई, कर रहे हैं ना, 1,10,000 प्लस 4 लाख स्टॉक, स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, 5-7 डेटर पे कोई प्रभाव था 10-70, और प्लस भैया 11-20 आना चाहिए है ना, और इधर देख लेते हैं क्या है हमारा,
अरे इक्विटी शेयर तो भूल ही गए ना, कौन से वाला? 3 लाख, तो इसमें 3 लाख जोड़ दो, 3 लाख जुड़ जाएगा, सबको जोड़ो, 11-20 ही आएगा। ये मैंने इतना गंदा और इतना रफली करा है, आपको इसको नए वाले फॉर्मेट में करना है नोट के हिसाब से, समझ रहे हो ना? पूरा नीट एंड क्लीन, बस मैंने ओवरव्यू दे दिया कि ऐसे 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 करना होता है। तो एग्ज़ाम में देखो बैलेंस शीट बनाने में, और मैं मानता हूँ टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मुश्किल नहीं है, बस वहीं पे माइनस प्लस करके दिखाना। अब कुछ बच्चे पूछ सकते हैं, मैं बताता जाता हूँ। सर इक्विटी हमारा था 6 लाख, 4 लाख आए, 10 हुआ, 10 के बाद फिर कर दिया 2, तो बचे 2 इक्विटी, और 3 मैंने नए इक्विटी इशू किए थे, कहाँ किए थे सर? ये रहे, तो टोटल 5 लाख इक्विटी हो गया, 3 और 2 5। सर प्रॉफिट एंड लॉस 0 हो गया, डिबेंचर को मैंने ख़त्म ही कर दिया, 0 कर दिया, नहीं डिबेंचर को 6 लाख कर दिया नए वाला देके, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया था, बैंक ओवरड्राफ्ट का बैंक अकाउंट के थ्रू हमने यहां से खत्म कर दिया, 0 हो गया, क्रेडिटर भी हमारा क्या हो चुका है, खत्म ही हो चुका है, इक्विटी शेयर वगैरह दे दिया हमने, गुडविल 0 बोल दिया, अदर एसेट्स 5 लाख रुपए से हमारा कम हो गया, तो 1-10 का बच गया, इन्वेंट्री के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, ट्रेड के साथ प्रीमरी एक्सपेंस 0 हो गया, और कैश का बैलेंस 50,000, इसको जोड़ दिया तो हमारा ये आ गया। अब देख लीजिए आपका कोई डाउट है तो। सर पुराना क्वेश्चन रिपीट कर दो, पूरा क्वेश्चन ही रिपीट किया भाई। चलो 2 मिनट लेते हैं, पूरा क्वेश्चन बच्चे का डिमांड है, पूरा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। मिटा मिटा दे क्या इसको? वीडियो तो बन ही गया, बाद में देख ही लोगे आप। साफ साफ मैं इसे मिटा देता हूँ और फिर साफ साफ कर देते हैं, बाकी नोट्स में ये साफ साफ ही आएगा। ठीक है, ब्लू पेन ले। ये हमारे सामने था क्वेश्चन, समझते जाइएगा। क्वेश्चन में एक लाइबिलिटी और एसेट्स दे रखा है। लाइबिलिटी एसेट्स देने के बाद पहला पॉइंट कहता है कि भैया आप ऐसा काम करो, एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर हैं 100 रुपये वाले, उसको फुल्ली पेड अप बना दो। तो जब ये लाइन कहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि पहले जो बैलेंस शीट में शेयर होंगे वो पार्टली पेड अप होंगे, तभी बात कह रहा है। तो बैलेंस शीट पे नजर आपने देखा, एक नजर डालो तो यहाँ पे कहता है 60 रुपये ही पेड अप थे 100 में से, तो 40 क्या था हमारा? नहीं था पेड अप, तो वो 40 मैंने क्या करा, मंगवाया है। 40 जब मैंने मंगवाया है तो 40 मंगवाने की एंट्री ये है, समझ में आई बात आपको? 40 मैंने क्या करा, मंगवा लिया। आगे कहानी में ट्विस्ट ये आता है, बोलता है भैया आप मंगवा लिया है तो इन सभी शेयर को उठा के आप 20 का 1 कर दो, इसकी वैल्यू ही कर दो कितनी, 20 रुपए की। अब इस सवाल में एक बात ध्यान रखना, यहां ये कहा है क्या फुल्ली पेड? नहीं कहा, इसका मतलब बाकी 80 बाद में मांग सकता है, तो 20 रुपए का 1 कर दो। तो सीधी सी बात है, 20 रुपए का 1 करने के लिए मैंने यहां पे ओल्ड इक्विटी न्यू इक्विटी और ये ऐसे कर दिया, और इस 20 रुपए में करने का 2 लाख का सामान देना पड़ा, 10 के बदले तो 8 का फायदा हो गया। अगले पॉइंट में कहता है डिस्चार्ज कर दो डिबेंचर होल्डर। मैंने कहा जब डिबेंचर होल्डर आ जाए
तो आप समझ लेना कि इंटरेस्ट के साथ होगा। तो इंटरेस्ट मिला के डिबेंचर होल्डर का पैसा जो बन रहा था वो बन रहा था टोटल देखा जाए तो 8,80,000। बोलता है भैया हम उसे 6 लाख में निपटारा कर देंगे, 6,100 रुपये वाले नए डिबेंचर दे देंगे। तो भैया यहाँ भी फायदा हो गया जिसको रिकंस्ट्रक्शन में कर दिया। कहता है क्रेडिटर में 3 लाख रुपये यादव को पेड कर दो और बाकी के 3 लाख को शेयर दे दो। तो क्रेडिटर मैंने यहाँ बाइफिकेशन कर दिया, भैया 11,50,000 में यादव 8,50 का था और बाकी 3 का था, 3 को 3 ही मिल गया, यादव बेचारे को 3 लाख ही मिल पाया, तो बाकी का रिकंस्ट्रक्शन में फायदा पहुंच गया। आगे कहता है ये द अमाउंट ऑफ अवेलेबल राइटिंग ऑफ, जो भी है राइट ऑफ कर दो, किसको, सरप्लस को 0 करो यानी रिकंस्ट्रक्शन नुकसान में, गुडविल को कर दो और एसेट्स को कर दो। मैंने ये सारा काम कर दिया। फाइनल कहता है पास जनरल एंट्री, तो ये और जो अगले पेज पे आपने देखा था वो जनरल एंट्री का पार्ट था। इसके बाद भैया रिकंस्ट्रक्शन बना लो, अगले पेज पे हमने रिकंस्ट्रक्शन भी बना लिया, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट और क्रेडिट करके वहां से एक बैलेंसिंग फिगर निकल गया है 20,000 रुपये कैपिटल रिजर्व का। कहता है भैया आप बैलेंस शीट भी बना के दिखा दो, तो बैलेंस शीट बनाने गए तो भैया अब ये 6 लाख का नहीं होगा, तो सर कितना होगा, 2 लाख के बन रहे थे और 3 इशू करे तो ये 5 लाख होगा, भैया ये अब नहीं होगा 0 होगा, भाई साहब ये नहीं होगा डिबेंचर, अब ये 6 लाख का हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा सर क्योंकि कट गया, बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं है क्योंकि वो पेमेंट हो चुका है और क्रेडिटर भी नहीं है। अब बस एक और पार्ट यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा कैपिटल, दैट इज 20,000 का, जहां मर्जी मतलब अकॉर्डिंग टू एडजस्ट कर लोगे, तो ये आ गया 11,20,000 नई बैलेंस शीट की टोटल। एसेट्स में भाई साहब गुडविल नहीं होगा, ये 1,10,000 होगा, ये पूरे 4 लाख होंगे, ये 5,60 होगा भैया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं होगा, इसके बदले हमारे पास एक कैश का बैलेंस आ जाएगा दैट इज 50,000, इसको टोटल जब करने बैठेंगे तो ये भी आ जाएगा 11,20,000। इस तरीके से हमारा नए वाला बैलेंस शीट भी तैयार हो जाएगा, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये नए बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्रॉपर नहीं है, आपको प्रॉपर तरीके से बनाना है नए बैलेंस शीट का। क्लियर, अगले सवाल पे चलो। चलिए सर एक और सवाल देखते हैं। अच्छा कुछ बच्चों का कहना है सर आप सारे क्वेश्चन इसके करा रहे हो, बुक के भी कराओगे क्या, तो ओल्ड रिकॉर्डेड में बुक के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं पूरे, नए रिकॉर्डेड में मैं शिवदास के करा रहा हूँ, तो आप जो बच्चे अभी एनरोल मेरे पास पढ़ रहे हैं उनका तो फायदा ही फायदा है, बुक के भी क्वेश्चन सारे वीडियो मिल रहे हैं और पास्ट ईयर के क्वेश्चन का भी वीडियो मिल रहा है, तो डबल बेनिफिट हो गया। आप जहाँ प्रैक्टिस बस आपको करने हैं, आपके पास कंटेंट और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस पूरी मिलेंगे आपको, बस आपको प्रैक्टिस करना है कि कितनी जल्दी जल्दी आप निपटाते हो। सर चलिए एक इक्विटी एक एसेट्स लाइबिलिटी मान लेते हैं। कहता है द कंपनी नॉट डूइंग वेल, मतलब कंपनी अच्छा खासा काम नहीं कर रही, इट वॉज एक्यूमुलेटेड लॉट्स ऑफ लॉस, काफी सारे नुकसान है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स फॉलोइंग, बोलता है भैया लैंड को अब इतना कर देंगे, फर्नीचर को, देखो अब एक बात सुना, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स का मतलब है अब ये इतने का है, बोलता है कि भैया लैंड 1,80,000 का हो जाएगा, तो चेक करो भैया लैंड कितने का था, आपका कितने का था, यहाँ फायदा हो गया। इसके बाद फर्नीचर कहता है 72 का कर दो, फर्नीचर 72 का कर दो, कितने का था 80 का, यहाँ नुकसान हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख का कर दो, प्लांट एंड मशीनरी कितना था 4, यहाँ भी भैया नुकसान हो गया। स्टॉक को 2 लाख का कर दो, तो स्टॉक कितने का था भैया, यहाँ भी नुकसान हो गया। और बाकी एसेट्स जो था वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। द फॉलोइंग स्कीम रिकंस्ट्रक्शन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने अप्रूव्ड कर दिया, कहता है कि इक्विटी शेयर कन्वर्ट इंटू 2 रुपए, बोला भैया जितने का भी इक्विटी है ना इसको 2 का बना के खत्म करो। तो भैया यहाँ पे अगर मैं इक्विटी नंबर पूछूं तो 20 लाख के और 10 रुपए वाले थे, तो इसका मतलब 2 लाख इक्विटी शेयर थे, अब 2 लाख इक्विटी शेयर को 2 रुपए में कन्वर्ट कर दो तो अब कितने हो जाएंगे 4 लाख, तो यहाँ फायदा कितना फायदा है 4 लाख, हाँ कितना फायदा हो जाएगा 16 लाख रुपए का। ठीक है चलिए, तो हम एंट्री करते जाते हैं ना साथ के साथ, तो पहले हम लिख देते हैं ओल्ड इक्विटी अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी 4 लाख और टू सोलह लाख। क्लियर है,
जी अगले पॉइंट पे आते हैं। कहता है भैया 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कन्वर्ट कर दो 12% प्रेफरेंस शेयर, 40 रुपए का एक कर दो उसको। पहले कितना था? 100 रुपए का। यानी पहले हमारे पास 5 लाख को डिवाइड अगर 100 से करें तो 5,000 के शेयर थे। अब बोल रहा भैया इन 5,000 को जो पहले 100 रुपए का ये एंजॉय कर रहे थे ना, पहले तो खत्म करो। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म, 5 लाख। बोला आ जाओ भाई तुम्हें परसेंटेज बढ़ाए, तुम्हारा कितने परसेंट कर दिया। अब बोला कि इसको कितने का कर दो सर, 40 का। तो 5,000 इंटू में 40, तो इसको कितने मिलेंगे अब? और फायदा कितने? समझ में आ रहा है? द डिबेंचर होल्डर, होल्डर आ गया भाई साहब, ध्यान देना, होल्डर में इंटरेस्ट को भी ध्यान देना है कि नहीं है। फोरगो, फोरगो का मतलब छोड़ रहा है क्लेम बाय 74,000। डिबेंचर होल्डर बोलता है चल ठीक है मेरे को 74,000 मत दियो, तो पहले पता तो करे डिबेंचर होल्डर तेरे को देना कितना है। तो डिबेंचर होल्डर को देना है 2 लाख, डिबेंचर होल्डर को देना है 2 लाख। उसने बोला भैया 74,000 रुपये मुझे मत दियो, मैंने कोई बात नहीं 74 नहीं देना। अब 74 नहीं देना तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ये नहीं बता रहा क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं हम कि वो अपना इंटरेस्ट और कुछ पार्ट डिबेंचर के छोड़ रहा होगा, तो यानी पहले तो मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा मतलब जो ब्याज दे रखा है क्वेश्चन में वो खत्म हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितने? 2,400। और डिबेंचर भी कुछ खत्म होंगे, 24,000 है क्या? अच्छा 1,000 डिबेंचर भी खत्म होंगे। डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने डिबेंचर खत्म करोगे? 74,000 में से 24,000 तो हमारे थे इंटरेस्ट, बाकी बच गए 50,000 के डिबेंचर। ध्यान दीजिए ज्यादा आपको इधर नहीं जाना। उसने बोला बस 74,000 को वेव ऑफ करेगा वो अपना, तो 74 में से क्या क्या इंटरेस्ट का पैसा वो छोड़ने को तैयार हो गया और कुछ सम पार्ट। तो भैया अगर 74 में से 24 इंटरेस्ट का पैसा है तो डिबेंचर का पैसा कितना छोड़ रहा होगा? 50,000। अब हमारा फायदा समझ में आया? यानी सर नए वाले बैलेंस शीट में, अभी मैं लिख देता हूं नए वाले बैलेंस शीट में कौन बच्चा बताएगा डिबेंचर होगा या नहीं होगा? होगा तो कितने का होगा पहले बताओ। नए वाले बैलेंस शीट में डिबेंचर होगा या नहीं होगा बताइए? होगा नहीं वाले बैलेंस शीट में, क्योंकि सारा डिबेंचर थोड़ी खत्म हुआ। अब कितना होगा डिबेंचर बताओ? तो सर नए वाले बैलेंस शीट में डिबेंचर होगा, क्योंकि हमने सिर्फ डिबेंचर को जो कैंसिल किया है वो तो किया है 50,000 का, तो नए वाले बैलेंस शीट में डिबेंचर हो जाएगा 1.5 लाख का। कितने का? 1.5 लाख का। सही जवाब 1.5 लाख का। तो बस बात तो समझ ही आ गई इसका मतलब आपको, ठीक है। अगला पॉइंट, द रिडीमेबल है द डिबेंचर होल्डर फोरगो, ये तो हो गया। द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एडॉप्टेड, कहता है जो रीवैल्यूएशन था ना, बोल रहे हैं इसको मान लो और ऐसे ही चलो। तो भैया कुछ फायदे थे कुछ नुकसान थे, एक में फायदा था बाकी सब में नुकसान। लैंड एंड बिल्डिंग में बस फायदा हो गया, तो लैंड एंड बिल्डिंग टू रिकंस्ट्रक्शन, सर कितना फायदा हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग 1.5 का था, और यहां बोल रहा है 1,80, तो फायदा 30 का। सही लिख रहा हूं ना मैं? 30। अब बाकी में नुकसान, तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट, बाकी में नुकसान रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या सर? टू फर्नीचर सर, टू P&L सर, टू स्टॉक सर, टू प्लांट एंड मशीनरी, और कुछ भी रह गया क्या बताइए? और कुछ भी है सर? फर्नीचर कितने का कम? भैया अब कह रहे हो 72, पहले था 80 तो 8। प्लांट एंड मशीनरी कितने का कम? सर P&L 14,35,000। सर
सर स्टॉक कितने का कम, अब पहले 3 लाख का अब 2 लाख का। सर प्लांट एंड मशीनरी कितने का कम, पहले 2 लाख का अब, प्लांट एंड मशीनरी अब 2 का पहले 4 का। तो टोटल नुकसान देखा जाए तो 14, 2, 16 और 1, 17, 17, 18 लाख, 80 हजार है ना, तो 18 लाख 15 हजार कैसे जोड़ रहे हो, ये 80 हजार है, 8 हजार है, 8 हजार, अच्छा ये 8 है, मैंने 80 मान लिया ना, तो ये आ जाएगा 3, 14, 3, 17, 35 और 8, 35 और 8 कितने होते हैं बोलो, 33, 43, ठीक है। आगे चलते हैं, कहता है प्रोविजन 10% मेड अगेंस्ट डेटर, भैया ये भी नुकसान, तो मैं इसी एंट्री में इसको कर सकता हूं इनकॉर्पोरेट, प्रोविजन यानी टू प्रोविजन डेटर पे, तो भाई साहब डेटर कम, कितने का डेटर कम, डेटर था हमारा 90 का, डेटर कितने का 90 पे कितना कम, 10% यानी 9 हजार, इसमें अभी बढ़ेगा। कहता है गुडविल एंड लॉसेस रिटर्न ऑफ कंप्लीटली, ओके भाई साहब गुडविल भी रिटर्न ऑफ करना है, ये भी आएगा, टू गुडविल कितना है, 1,75,000। कहता है एक्सपेंस ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 15 हजार रुपये पेड इन कैश। अब जब रिकंस्ट्रक्शन होता है ना, तो साधारण व्यक्ति नहीं करता रिकंस्ट्रक्शन, कोई एडवोकेट कोई CAE करेगा आके, तो अब वो करेगा तो फ्री में तो काम करेगा नहीं, उसके बदले पैसे लेगा। जैसे डिसोल्यूशन में याद होगा, जब डिसोल्यूशन होता था तो हम पेमेंट करते थे जो डिसोल्व कर रहे हैं, ऐसे रिकंस्ट्रक्शन जो करता है उसको पेमेंट करते हैं, उसे रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन में जब पेड करेंगे हम, तो पूरा का पूरा ही नुकसान है भाई, तो हम यहाँ पे एंट्री पता क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट डन, टू बैंक पेमेंट डन कितने, 15 हजार, लो जी खत्म, इन सबको जोड़ दो, गलत टोटल था 19 लाख 1927। कहते हैं पास जनरल एंट्री, हाँ कर दिया जनरल एंट्री, अब एक पार्ट जनरल एंट्री का रह जाता है, कौन सा, कैपिटल रिजर्व वाला, वो चेक करते हैं। फायदा 16 लाख, पहले फायदा जोड़ लेता हूं, 3 लाख 19 लाख, फायदा 74 हजार, फायदा 30 हजार है ना, और कहीं फायदा है नहीं, नुकसान 19,27,000, नुकसान 15 हजार, तो टोटल 62 हजार बने, तो यहां पे आ जाएगा क्या, रिकंस्ट्रक्शन टू कैपिटल रिजर्व, ये भाई फाइनल आंसर आ गया, चेक कर। सर गीवन है बैलेंस शीट में इंटरेस्ट, यस ये गीवन है, ओहो ये भाई साहब कहाँ जाएगा, शेयर इशू एक्सपेंस, अंडर राइटर कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, तो शेयर इशू एक्सपेंस भी राइट ऑफ होगा, मैंने नोट लिखवाया था ना बिना बताए, कितने का है, तो भैया 2500 और बढ़ा दो, यहाँ 52 हो जाएगा बस, और भैया फायदे में 2500 और कम कर दो, कितने होंगे, 62 में से 25 कम, 37, ठीक है। इसको बोले या ना बोले करना है, शेयर इशू एक्सपेंस इज ऑल्सो प्रिलिमिनरी, कर दिया ना 52 है, जोड़ के मैंने 52 कर दिया पहले से, तो बुक में तो ये भी होगा ना 15 हजार, और भी कुछ होगा ऊपर नीचे से, टोटल देख लो नहीं तो, ठीक है ना। सर डिबेंचर रिपीट कर दो, डिबेंचर रिपीट कर देते हैं,
सर डिबेंचर कहता है ये डिबेंचर होल्डर है और ये कहता है मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने बोला भाई तेरे पहले पैसे तो बता कितने हैं, बोला 24,000 ब्याज के हैं और 2 लाख रुपए डिबेंचर के हैं। इसने बोला मैं पैसे नहीं लूंगा। कितने नहीं लेगा? इसने बोला बस 74,000 नहीं लूंगा, बाकी तो लूंगा। मैंने बोला ठीक है भाई, 74,000 में तेरे 24,000 ये कट गए ब्याज के और बचे 50,000 यहाँ से कट गए, यानी तेरे डिबेंचर अब रह गए 1.5 लाख का। तो हमारा फायदा जो है, एक तो इंटरेस्ट खत्म हुआ, डेबिट कर दिया, डिबेंचर भी कट गए 50 के डेबिट, और टोटल फायदा 74,000। देखिए फिर अगले क्वेश्चन पे चले, डेटर वाला पार्ट कहता है प्रोविजन, प्रोविजन में तो डेटर कम ही होना होता है ना, तो डेटर रिड्यूस कर दिया। क्वेश्चन नंबर था ये, ठीक है। बाकी इन सभी के आंसर्स ना 10 ईयर के अंदर प्रिंट हो चुके हैं, जो बच्चे नए हैं सेम 2 वाले उनको अभी मिल जाएगा, और जिन बच्चों ने पुराने वाले 10 ईयर जो कि सेम 4 वाले बच्चे होंगे उन्होंने अगर खरीद लिया है तो उनको ये अवेलेबल होगा। तो आंसर का फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए वो अभी मेन कॉन्सेप्ट देखना है सर, कॉन्सेप्ट अगर आपको आगे तो बात ही खत्म। और मैं नहीं समझता, मैं बताऊँ ना तो ये चैप्टर आपका एग्जाम में एक फेवरेट चैप्टर बनने वाला है, कि भैया पेपर में 10-15 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आए, फटाफट ढूंढो और फटाफट पहले इसको निपटा दो। बस मेन होगा क्या, लैंग्वेज, और लैंग्वेज के आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आए। चलिए सर नया कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम से पहले हर एक का, किसी का ना, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस के मैं एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे इसके अंदर 10 एडजस्टमेंट है, कुछ छोटे एडजस्टमेंट है, कुछ बड़े एडजस्टमेंट है, ऐसे ही एक क्वेश्चन में बना के जिसके अंदर जितने मुश्किल से मुश्किल एडजस्टमेंट हो सकता है उन सब की जनरल एंट्री करा दूंगा। लेकिन वो अभी कराने का फायदा नहीं है, वो एग्जाम से पहले कराने का फायदा रहेगा, ठीक है। अभी कराने में हमारा सिलेबस छूट जाएगा क्योंकि प्रायोरिटी बच्चों के इंटरनल है, चाहे कुछ भी हो। बच्चे बोलते हैं सर सिलेबस खत्म करा दो, तो पहले किताबी बातें कर लेंगे फिर एक्स्ट्रा एग्जाम की बातें करेंगे, ठीक है। तो सर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर, सर सरेंडर का मतलब क्या होता है? सरेंडर ऑफ शेयर, कह रहे हैं सरेंडर का मतलब आत्मसमर्पण। एक तरीके से सरेंडर का मतलब होता है अपने अधिकार को छोड़ देना। अब होगा क्या, ध्यान देना, क्वेश्चन वही है पूरा, लेकिन काफी बच्चे बोलते हैं सर पूरा हमें रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर आता है, इसमें सरेंडर वाला टॉपिक नहीं आता। और सबसे आसान मैं मानता हूं सरेंडर वाला ही टॉपिक है। सर होता क्या है जनरली, मान लिया जाए, मुझे जवाब देना। अब जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे ना और ध्यान से देखेंगे तो आंसर फट से आ जाएगा, नहीं तो फिर गलत ही आंसर आ जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख, 10 रुपए का एक, तो टोटल 10 लाख का। नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड, सर क्या करा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, बोला कि इसको पहले रिड्यूस कर दो। हम क्या करेंगे, बोलेंगे भाई इक्विटी शेयर होल्डर अब तू मान ले तेरे शेयर को कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं नंबर ऑफ शेयर्स को, फेस वैल्यू को रिड्यूस नहीं कर रहे, पहले तो तेरे नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कर रहे हैं। 1 लाख शेयर थे ना तेरे पास, तेरे को 40,000 शेयर दे दिया जा रहा है। बाकी 40,000 शेयर देने के बाद अब जो बच गया, कितने शेयर बच गए सर? सिंपल सी बात है, 60,000। इस 60,000 में अगर देखा जाए, नॉर्मली क्वेश्चन में करते थे तो हो जाता था फायदा, लेकिन हमने बोला ये फायदा नहीं है, इसको अभी फायदे में नहीं गिनना,
अभी इस शेयर को हमने अपने पास रख के रखा है, रखा हुआ है, रखा हुआ है इस शेयर को। फायदा तब होता है जब उस शेयर को कैंसिल कर देते हैं, और शेयर को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। अभी मैं डेबिट नहीं करूंगा, ठीक है ना, सिर्फ मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो फायदा तो है नहीं सर। मैंने कहा कि आपके पहले 10 रुपए के हिसाब से थे, यानी पहले जो हुआ करता था आपका, अब जो आपके पास शेयर्स की वैल्यू है वो कितने की हो गई, और पहले कितना हुआ करता था, और फायदा कितने का हो गया, नहीं हुआ, मैंने कैंसिल नहीं किया ना, रखा हुआ है, अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक मैं इसको ना बोल दूं कि मैं 6,000 को कैंसिल कर रहा हूं, तो फायदा कैसे होगा। अब मैंने कहा भाई एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और तेरे ऊपर रूल थोड़ा सा मुश्किल करना जा रहे हैं, एक काम करते हैं, अब तेरे पास शेयर कितने बता, बोला 40,000। अब 40,000 कितने वाले, 10 वाले। मैंने तेरे वाले शेयर को अब कर दिया 2 रुपए का। अब तेरे शेयर को कितने का कर दिया मैंने, यानी अब तू मालिक जो होगा ना वो होगा 40,000 शेयर का ही, लेकिन अब 2 रुपए के हिसाब से होगा, यानी अब तू मालिक बचा कितने का, 80 का। पहले मालिक कितने का था, उससे पहले मालिक कितने का था, लेकिन उसको तो अभी छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल इस मालिक का 4 लाख से और 80,000 पे जो पहुंचा है इसमें, अब यहां पे फायदा होगा क्योंकि मैंने उसके शेयर्स को रिड्यूस नहीं किया, शेयर के वैल्यू को रिड्यूस कर दिया पर शेयर को, अब फायदा होगा। इस केस में जर्नल एंट्री क्या निकल के आएगा, मैं बोलूंगा भैया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सर पूरे 10 लाख लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल नए वाले 4 लाख के, और टू सरेंडर शेयर, सरेंडर शेयर करवा लिए इससे 6 लाख के, क्या करवा लिए इससे, सरेंडर करवा लिया कि भाई दे दे तू मेरे को, मैं इसका साथ जो भी करना होगा मैं कर लूंगा, तू मुझे शेयर दे दे बस। उसके बाद मैंने बोला फिर से ये वाला जो न्यू इक्विटी शेयर था फिर कैंसिल कर दिया, फिर मैंने बोला तेरा इक्विटी शेयर खत्म कर इसको भाई, तू अब तेरे को नया इक्विटी शेयर देंगे हम कितने का, 80,000। अब मेरा हो गया फायदा, इक्विटी रिकंस्ट्रक्शन, यहां तक समझ में आ रहा है, मेरा सवाल शुरू होगा अब। मेरे पास एक डिबेंचर था, देखते हैं आप कितना होशियारी से सोचते हो, मेरे पास एक डिबेंचर है और डिबेंचर की कीमत है 1 लाख, डिबेंचर की कीमत कितनी सर, 1 लाख, और मैंने कहा भाई डिबेंचर होल्डर एक काम करते हैं, तेरे को 2,50,000 रुपए का, 2,50,000 रुपए का तुझे हम दे देते हैं क्या शेयर्स, और ये शेयर्स देंगे कहां से, जो हमारे पास पड़ा हुआ है रिजर्व में, यानी भाई मैंने 1 लाख क्यों लिखा यहां, कितना बताया था मैंने, 1 लाख बताया था, 4 लाख करते, 4 लाख का डिबेंचर था, उसमें से 2,50,000 रुपए का मैं तुझे शेयर दे दूंगा, और जो तेरे बच गए ना कितने, तू भूल जा इसको, तू भूल जा, ये पैसे नहीं देंगे हम तुम्हें, समझ में आया क्या हुआ है, 4 लाख रुपए डिबेंचर होल्डर को देने थे, जिसमें से 1,50,000 रुपए उसने वेव ऑफ कर दिए, और बाकी के पैसे के बदले मैंने उसे इशू कर दिए क्या, मेरा यहां पे बता दो फायदा, फायदा, या फिर बता दो नुकसान, या सर कुछ नहीं हुआ, बताइए,
बच्चों ने कहा सर, निशा ने कहा 1.5 लाख का प्रॉफिट, गुनगुन ने कहा सर 4 का प्रॉफिट, एमडी ने कहा 1.5 का प्रॉफिट, 1.5 का प्रॉफिट, अमाउंट भी बताना है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस से बात नहीं बनेगी, 1.5 का प्रॉफिट। डेढ़ लाख, डेढ़ लाख, डेढ़ लाख। बताइए। चार लाख क्या? बताइए कितने का? बताओ क्या हुआ? कितने का? 150 लॉस। कितने का? 150। ध्यान आते देना, डिबेंचर होल्डर आया मेरे पास, मैंने बोला तेरे कितने पैसे देने, मैंने बोला 1.5 तो तू भूल जा, और कितने देने हैं? मेरे पास कुछ कबाड़ा सामान पड़ा हुआ था, मैंने ले जा, वो मेरा बिक भी नहीं रहा था, वो कबाड़ा सामान मेरे पास जो पड़ा हुआ था मैं फेंकने जा रहा था, मैंने ये ले और तू चल, और वो जो मेरा पुराना सामान पड़ा हुआ था वो बिक भी नहीं रहा था, तो मैंने उसको दिया अपने जेब से क्या, और डिबेंचर मेरा खत्म हो गया। कितने का? तो फायदा कितना हुआ? 4। यहां पे प्रॉफिट होगा सर, आप ये बात समझिए ना, डिबेंचर होल्डर को जो इक्विटी शेयर दे रहे हो वो कंपनी का इक्विटी शेयर नहीं है, पहले से किसी से छीना हुआ इक्विटी शेयर है, उसमें थोड़ी आपका कुछ गया था। मैं अब ये कह सकता हूं सर, सरेंडर शेयर ना ये अब कम हो जाएगा, ये जो 6 लाख रुपए 60 हजार का था, जिसमें से आपने तो दे ही दिए होंगे 25 हजार, तो ये 25 हजार से घट जाएगा, अभी भी आपके पास सरेंडर शेयर होंगे कितने? यानी यहां प्रॉफिट कितना है? जर्नल एंट्री देखोगे, डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का? खत्म। टू रिकंस्ट्रक्शन, या हाँ टू रिकंस्ट्रक्शन, कितने का फायदा? सर शेयर तो दिया नहीं, दे रहे हैं ना, अब सरेंडर शेयर आपके पास पड़ा हुआ था, कितना निकालोगे? कितने की जरूरत है सरेंडर शेयर की? निकाल लिया, हमारे पास पड़ा हुआ था क्रेडिट में, और डेबिट करके निकाल लिया 2.5, और किसको दे दिया मैंने? टू डिबेंचर, या फिर नहीं, क्या दिया मैंने? इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू कर दिया मैंने 2.5 लाख का, डिबेंचर होल्डर को नहीं। समझ में आई बात? एक और सवाल पूछा जाए, एक और सवाल पूछा जाए। 4 लाख का मतलब मेरे, देखो मैं प्रॉफिट एंड लॉस तब मैं डिटरमाइन करूंगा जब मैं अपने पॉकेट से निकाल के कुछ देना पड़ रहा है, यहां पे मैंने अपने पॉकेट से नहीं दिखाया, किसी से लेके किसी को दे दिया, तो सारा मेरा प्रॉफिट ही हो गया, बस मेरा लाइबिलिटी कम हो गया। मैं अगर कह दूं यहां पे मेरे पास लोन है 2 लाख रुपए का, मेरे पास लोन है 2 लाख रुपए का, ध्यान देना, मैंने 20 हजार का पेमेंट कर दिया, 1 लाख का मैंने इक्विटी शेयर इशू कर दिया, और मैंने बोला भैया जो बच गए तेरे 80 हजार वो तू जा भूल, अब बताओ फायदा नुकसान? 20 हजार का कैश पेमेंट कर दिया, 1 लाख के मैंने बोले तू शेयर ले जा, और 80 हजार तू जा भूल, अब बताओ फायदा नुकसान कितना? बताइए फायदा नुकसान सरेंडर शेयर में, जब तक ना बोला जाए सरेंडर शेयर कंसिडर करेंगे। तो सर यहां पे फायदा हो जाएगा
और फायदा जो होगा हमारा 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो मेरा समझाने का मतलब था, जो सरेंडर शेयर में से अगर हम किसी लाइबिलिटी की पेमेंट कर रहे होते हैं ना, तो वो लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं मानी जाती, पूरा लाइबिलिटी ही मान लिया जाता है कि प्रॉफिट में चला गया हमारा। समझ रहे बात, यही हो रहा है यहाँ पे अभी तक। अब बात आती है सर, अभी भी तो सरेंडर शेयर बच गए हमारे पास, अब एक सवाल में बोला जाए या ना बोला जाए, सबसे लास्ट में इसको कैंसिल कर दो, पूरा सवाल खत्म हो गया। अब कैंसिल करो, कैंसिल कैसे करेंगे, ये क्रेडिट कर रखा है हमारे पास, क्रेडिट में 3.5 लाख का पड़ा हुआ है, तो कैंसिल कैसे करोगे सर, डेबिट कर देंगे सर, डेबिट कर दिया, अब ये फायदा हो गया हमारा पूरा। यानी जो इक्विटी शेयर होल्डर से हम फायदा 6 लाख का कर रहे थे ना, एट द टाइम सरेंडर, उस टाइम पे फायदा को, प्रॉफिट को बुक मत करो, पहले बीच में देख लो कोई ट्रांजेक्शन तो नहीं कर लिया उस शेयर से। अगर वो सारे शेयर से ट्रांजेक्शन होने के बाद भी कुछ बच गए हैं, तो फाइनली लास्ट में कैंसिल करके उसको प्रॉफिट करो। अगर मैं यहाँ पे डिबेंचर होल्डर को कुछ नहीं देता, लोन को कुछ नहीं देता, सवाल में कुछ नहीं कहता, तो एक एंट्री और लास्ट में मार देता, सरेंडर शेयर अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन पूरे 6 लाख रुपए से बात खत्म हो जाता। समझे बात आप। न्यू क्वेश्चन करेंगे, वो वाला भी करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करना, करना है वो, पर एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। सर सवाल में क्या कहता है, फॉलोइंग बैलेंस शीट एक्स लिमिटेड का है, कुछ एसेट्स कुछ लाइबिलिटी सब कुछ गिवन है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब ध्यान देना, क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग टोटल, क्लेम फॉर डैमेज पेंडिंग टोटल का मतलब है भैया कोर्ट के अंदर क्लेम हुआ है, बात करेंगे बाद में। कंटिंजेंट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी का मतलब ही होता है कि ये वो लाइबिलिटी है जिसको देना पड़ भी सकता है, देना पड़ भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। जैसे परपोज डिविडेंड याद होगा, देना पड़ भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है शेयर होल्डर के अप्रूवल पे, अगर उसने अप्रूव्ड कर दिया तो देंगे, नहीं करा तो नहीं देंगे। कहता है द फॉलोइंग स्कीम रिकंस्ट्रक्शन हैज बिन ड्यूली अप्रूव्ड, ठीक है सर, ये 2-4 लाइनें तो हर बार बोलते ही हैं एग्जामिनर में। आगे कहता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स, अरे एक मिनट, ठीक है, ये हुआ क्या, ठीक है, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है द प्रेफरेंस शेयर वर टू बी रिड्यूस इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर 80 रुपीज ईच। यानी हमारे क्वेश्चन में जो भी प्रेफरेंस शेयर है वो देखा जाए तो कितने का है साहब, 100 रुपए का है, इसको हम रिड्यूस कर देंगे और बना देंगे 80 रुपए का, तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है, इसकी भी हम बात चर्चा कर लेंगे, तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर पहले पुराना कितने का था सर, 5 लाख का, और बोला गया भैया आप न्यू प्रेफरेंस शेयर दे दो, और नए वाले प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं इसको, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का दे दो सर, 80 का कर दो, तो पहले नंबर कितने थे 5,000, तो 5,000 ही रहेंगे, लेकिन अब उसको कितने का कर देंगे हम 80, तो दैट इज आपका हो जाता है 4 लाख। तो यहाँ पे हो गया हमारा फायदा और वो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन में, कितने रुपए चले जाएंगे, 1 लाख। बताइए किसी बच्चे को इस सवाल, इस पॉइंट में डाउट, पहला पॉइंट मैंने डन कर दिया, पहला पॉइंट डन कर दिया, किसी को डाउट, बच्चे कह रहे हैं सर क्लियर नहीं दिख रहा क्वेश्चन, जूम करना पड़ेगा फिर तो, मैं जूम कर देता हूं, कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को फिर थोड़ा सा, अब आपको दिखेगा जो जो मैं करूंगा, आप देख लो दिख रहा है, क्योंकि मैं एक एक पढ़ पढ़ के करूंगा, जैसे जैसे पढ़ता जाऊंगा ऊपर करता जाऊंगा, ठीक है, दिख रहा है सबको, ठीक है। चलिए, हमने पहला एडजस्टमेंट डन कर लिया ए पार्ट,
जिसके अंदर बोला गया था प्रेफरेंस शेयर को हमने रिड्यूस कर दिया है 80 का, किसी को दिक्कत इसके अंदर? ऊपर वाला पार्ट अगर नहीं भी दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, अमाउंट के हिसाब से मैं बोल दूंगा इतने का दे रखा, तो वो पता चल जाएगा। अब बता दीजिए फटाफट, क्लियर है आपको? हाँ सर, इलस्ट्रेशन 8 है बुक में। अब जो भी हो सकता है, किताब के अंदर भी सवाल मिल जाएगा, जिनके पास किताब है वो किताब में से देख लेंगे, नहीं जिसके पास है वो सामने दिख रहा है। आगे कंटिन्यू, खत्म नहीं हुआ, इसी के आगे कहता है एंड इक्विटी शेयर इक्वल नंबर फुल्ली पेड 2.5 रुपए का। इक्विटी शेयर को हम फुल्ली पेड कर देंगे कितने का? 2.5 रुपए का। तो भैया इक्विटी शेयर को भी कर देंगे हम ओल्ड इक्विटी शेयर, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल भैया कितने का था? ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए का है ना, और टू न्यू इक्विटी शेयर 10 लाख थे ना, वो नंबर कितने थे इक्विटी शेयर के पता है आपको? 1 लाख। तो 1 लाख का 2.5 करने वाले हम, तो अब मिलेगा आपको कितने का? 2.5 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल। और हमारा फायदा कितने? 7.5। समझ में आई बात आपको? पहला एडजस्टमेंट मैंने डन कर दिया, किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, एक एक एडजस्टमेंट करके हम समझ समझ के करेंगे। किसी को डाउट है फर्स्ट एडजस्टमेंट? क्योंकि आगे आगे एडजस्टमेंट जाएगा तो ये मत बोलिएगा सर पहले वाला बता दीजिए। अभी हम इस क्वेश्चन का पहले बात कर लेते हैं, 2022 वाला भी करेंगे, पहले चैप्टर एक बार खत्म हो जाए वो भी करा देंगे। बच्चे कह रहे हैं सर अगेन ये सवाल जो है जो मैंने पहला पॉइंट किया है क्या कहता है, और ऑल दो 10 क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे, हम सवाल में कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर जितने भी थे उसको 80 रुपए का बना दिया जाए और इक्विटी शेयर होल्डर को 2.5 रुपए का बना दिया जाए। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो भी थे हमारे, पहले ओल्ड वाला लिया और 80 का बना दिया और यहाँ पे 2.5 बना दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट को ही किया है अभी, सिर्फ और सिर्फ हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट ही किया है। अगले एडजस्टमेंट पे चलें, कहता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ। अब इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ में आपका गुडविल वगैरह सब कुछ आ जाएगा, और वो भी एसेट्स आ जाएगा जो कि हमारे फिक्टिशियस होते थे, जैसे इसको भी करना होगा राइट ऑफ, इसको भी करना होगा राइट ऑफ, पेटेंट को भी करना होगा राइट ऑफ और गुडविल को भी करना होगा राइट ऑफ। समझ में आई बात आपको? कहता है ऑल इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ, तो किस किस को करना है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेटेंट और गुडविल। राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? इसको जीरो कर दो, और जीरो करने का मतलब इसको क्रेडिट करो और सारा नुकसान ही एक तरीके से। तो हमारा आएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और सबसे पहले टू प्रॉफिट एंड लॉस, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, टू गुडविल और टू पेटेंट। सर अब P&L का बैलेंस अगर देखा जाए तो कितने का था? 4 लाख, कितने का? 90,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितने का था? 80,000। सब गुडविल कितने का है और पेटेंट कितने का था? अब टोटल कर लीजिए, कितने बन गए टोटल? 5 आप सब टोटल नहीं करते, पहले के बच्चे मैं क्वेश्चन कर रहा होता था और यहां लिखता पहले ही बता देते थे, लेकिन कोरोना के चक्कर में ना बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे आजकल, जो ये कोरोना वाले जितने बच्चे हैं ना वो पढ़ नहीं रहे, वो सब इंतजार करते हैं कि कुछ चमत्कार फिर से हो जाए। भाई जब मैं टोटल कर रहा हूं तो टोटल करिए, आपका समय भी बचेगा और आपको आदत भी होगी। बच्चे पूछ रहे हैं सर यहाँ पे गुडविल राइट ऑफ करने के लिए बोला नहीं तो आपने क्यों किया?
अब ना इनटेंजिबल एसेट्स जब बोल दिया जाए ना, इनटेंजिबल एसेट्स, तो इनटेंजिबल एसेट्स में सब कुछ आ जाता है, ध्यान रखना, इनटेंजिबल एसेट्स में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, कितना है टोटल अभी तक नहीं निकाल पाए? 695, 695। ऑनलाइन लाइव वाले बच्चों ने बता दिया, देखो 695। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखिए, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड 380, डेटर कंसीडर डाउटफुल डेट्स रिटन ऑफ। भाई साहब, स्टॉक को हमें 380 करना है, और पहले देखा जाए तो स्टॉक कितने का था, 430, तो 380 हो गया, तो मुझे इसको भी करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन टू स्टॉक और टू डेटर, डेटर भी घटेगा ना सर, स्टॉक कितने का घटेगा, डिफरेंस लेना पड़ेगा। अब 380 का हो गया, पहले 430 का था, तो 50। और सर डेटर को बोला राइट ऑफ करने, तो यहां पे ना डेटर का प्रोविजन दे रखा होगा, कहता है डेटर कंसीडर गुड, डेटर कंसीडर डाउटफुल, कहता है डाउटफुल वाले को खत्म करो, डाउटफुल वाले को क्या कर दो, रिटर्न ऑफ। तो 30,000 रुपये बेकार के डेटर है, तो 30, तो ये आ जाएगा 80,000। भैया इसके बींग की बात करें ना, आप सेम लाइन लिख सकते हो बींग के अंदर, अपने नॉलेज के हिसाब से, और अपने अपने जो भी आपको लगता है, जैसे पहले वाले पॉइंट का मैं लिख सकता हूँ कि प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस 2 रुपीज इतने का, इक्विटी शेयर रिड्यूस 2 इतने का, और इसमें कह सकता हूँ इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ, और इसमें कह सकता हूँ मेरा एसेट्स रिवेल्युएशन हो गया, बींग अपने हिसाब से लिखोगे आप। ठीक है, चलिए सर अगले पॉइंट पे चलें, अगले पॉइंट पे चला जाए, मैं इस पॉइंट को ऊपर करता जाऊंगा, नीचे करता जाऊंगा। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव ऑफ हाफ ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड इन रिसीव इक्विटी शेयर इन लीव ऑफ बैलेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहता है कि भैया जितना भी मेरा डिविडेंड है तो मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन उसमें आधा छोड़ने के लिए तैयार हूं, बाकी मुझे क्या दे दो, इन लीव ऑफ, इन लीव ऑफ होता है बदले में, इसके बदले में, इन लीव ऑफ होता है इसके बदले में। तो क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एग्री टू वेव ऑफ, वेव ऑफ का मतलब छोड़ देंगे भैया, कितना, हाफ डिविडेंड। और उसके बाद कहता है एंड रिसीव इक्विटी शेयर, और बोलता है हमें इक्विटी शेयर भी चाहिए इन लीव ऑफ बैलेंस, यानी हाफ छोड़ दिया तो बैलेंस कितना बचा, हाफ, उसके लिए क्या मांग रहा है ये। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखें यहां पे, तो ये हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, मैं यही कर रहा हूं, ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखा जाए तो कितने का था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भाई साहब कितने का था, 5 लाख रुपए का, है ना, कितने का था, और रेट क्या था, 7%। चलिए आ जाइए, पांच लाख का था 7%, और एरियर कितने साल का था हमारा, ओहो अब उसका कोई जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दे दिया इसने 14,000। क्या कहता है, प्रेफरेंस शेयर का एरियर डिविडेंड 14,000 है, तो भैया प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है वो कितना है, 14,000 में से आधा मैंने 7,000, और आधे की बात करें तो 7,000, आधा आधा हो गया, ये हाफ हाफ, बोला एक पार्ट जो आधा है इसको कर दो जीरो, हम नहीं लेंगे इसका, और एक पार्ट के बदले दे दो इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन सर इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमारा कितने का, 2.5 का, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर देखा जाए तो कितने आएंगे, 7,000 डिवाइडेड बाय 2.5 कितना आ रहे हैं, इसने बोला 2,800 का मुझे इक्विटी शेयर दे दो, कहने का मतलब ये है। अब मुझे बताइए आप, हमारा कितने का फायदा हुआ या कितने का नुकसान ही हुआ यहां पे, फायदा है नुकसान बता दें, जल्दी जल्दी बता दें लाइव क्लास वाले बच्चे, फायदा लॉस। गुनगुन का कहना है सर लॉस हुआ, राबिया का कहना है सर प्रॉफिट हुआ, पिंकी का कहना है प्रॉफिट हुआ, काजल का प्रॉफिट, अंजलि का लॉस, गर्वित का लॉस, निधि का प्रॉफिट, 4,200 का प्रॉफिट, ये 4,200 कैसे आ गया भाई साहब,
हाँ जी बताइए, प्रॉफिट लॉस। तो इसका आंसर है, पहले सबसे पहले आपने पैसा दिया है, सोचिए, दिमाग लगाइए, दिमाग देखिए, तुक्का मारने से नहीं है, क्योंकि मैंने दो चीजें पूछा, प्रॉफिट लॉस, बच्चा बोलेगा कुछ ना कुछ, तो ये तुक्का हो गया। कुछ बच्चे जेन्युइन आंसर भी दे रहे हैं। समझिए कैसे इसका आंसर दोगे। सबसे पहले देखो, आपने पेमेंट किया है, यानी आपने इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, क्या आपको इसको पैसे देने थे वाकई, ये चेक करो। तो जवाब है सर, इसको पैसे देने ही नहीं थे, क्योंकि अगर देने होते तो यहां नहीं होता, यहां होता। अब देने नहीं थे, फिर भी ना ना करते करते मैं 7,000 दे रहा हूं, तो मेरा पूरे 7,000 रुपये का लॉस हो जाएगा ये। तो एंट्री लॉस का क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और टू बदले में दे क्या रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल सर 7,000। और ये जो कैलकुलेशन मैंने करा है ना यहाँ पे, ये आपके लिए करा है, ताकि बैलेंस शीट आगे पता नहीं बोला ही नहीं बोला, देखेंगे, अरे बोला जाए बैलेंस शीट बनाने को, तो उसके अंदर हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर पाएंगे। आप देखिए, समझ में आई बात आपको। और जो बच्चे नए ज्वाइन हुए हैं, उनको पहले पुरानी क्लास देखनी पड़ेगी, आज चैप्टर एंडिंग का है, समझ में नहीं आएगा। और दूसरी बात, जिसने पहली क्लास मैंने डिविडेंड वाले के अंदर टाइम लिया था और बताया था कि अगर कोई भी ऐसा लाइबिलिटी जो बाहर है और बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, और उस लाइबिलिटी का बोला जाए कुछ नहीं देना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, पहले भी लाइबिलिटी नहीं था। अगर उस लाइबिलिटी को बोला जाए 10% दे दो, चाहे कितना भी दे दो, तो सारा का सारा ही लॉस होगा आपका। ठीक है, चलिए, 7,000 रुपये का हमारा क्या हो गया, ये लॉस हो गया सर, 7,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, चलिए अगला एडजस्टमेंट। और मैं कहूंगा अगला एडजस्टमेंट जो है, ये सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं, इस पूरे क्वेश्चन की जान है ये, मतलब इसी एडजस्टमेंट की वजह से मैं क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं। क्या कहता है, डिबेंचर होल्डर एग्री टेक ओवर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बुक वैल्यू। डिबेंचर होल्डर एग्री करता है हमारा, क्यों एग्री करता है, डिबेंचर होल्डर एग्री टू टेक ओवर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बुक्स वैल्यू 180 ऑफ रुपीज 250 इन सेटिस्फेक्शन पार्ट ऑफ देयर क्लेम एंड वर इशू फ्रेश 7% डिबेंचर विद फ्लोटिंग चार्ज ऑफ ऑल एसेट्स इन लियू ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू देम पेमेंट ऑफ एडिशनल कैश 150। तो पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में डिबेंचर से रिलेटेड है क्या क्या चीजें। तो अगर मैं बैलेंस शीट के अंदर जाता हूं, ये रहा आपके सामने बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर अगर देखें, तो हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख रुपए का डिबेंचर है, और बैलेंस शीट के अंदर 17,500 रुपए का ब्याज है। पहले तो ये है, तो सर बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख रुपए का डिबेंचर है और 17,500 का, याद रखना, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। ठीक है, मैं सारा एडजस्टमेंट ऊपर कर दूं, बैलेंस शीट में से दो ही चीज था। और एक चीज और, इस डिबेंचर के ब्रैकेट में ना एक बात लिखा हुआ है, देखना भी, अभी देख जो ब्लर आ रहा होगा, डिबेंचर के ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, सिक्योर्ड बिल्डिंग। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हमने डिबेंचर इशू किया होगा ना, तो हमने अपना बिल्डिंग गिरवी रख दिया होगा उसके नाम पे। तो अब यहां पे भी देखो, आपको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग, ठीक है ना, बिल्डिंग, तो यही बिल्डिंग डिबेंचर होल्डर को गिरवी रखा हुआ है, तो ये हो गया सिक्योरिटी। तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने डिबेंचर इशू किया था, यानी डिबेंचर मैंने लोगों से जो 5 लाख रुपए कर्जा उठाया था, वो कर्जा मुझे 7% के हिसाब से ब्याज देना था, और उसके ऊपर मुझे ब्याज जो बकाया था वो 17,500 था। इतनी सी बात समझ में आई, यही कह रहा है ये लाइन। और वो जो डिबेंचर मैंने कर्जा उठाया था, उसके बदले मैंने डिबेंचर होल्डर के पास गिरवी रख दिया था सामान, और क्या गिरवी रख दिया था सामान,
लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख दिया था। जो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने गिरवी रख दिया था उस डिबेंचर होल्डर के पास, उसकी कीमत 6 लाख था, लेकिन गिरवी रखने का मतलब ये नहीं होता कि सारा उसका हो गया। अब जब कभी भी आप किसी के पास कोई सामान गिरवी रखते हो तो आप एज अ सिक्योरिटी, भाई रख ले, हम तेरे पैसे लेके भाग नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे पैसे नहीं देंगे तो तू सारा ले लेगा। तू, तेरे पास उतना ही अधिकार है कि तू इसमें से बेच के अपना पैसा कट करके वापस जो बच रहा है वो मेरे वापस देगा, यही होता है नियम नॉर्मल सा। तो आप यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट को समझते हैं, बैलेंस शीट के अंदर मोटी मोटी बातें हैं सर, डिबेंचर है उसके ऊपर इंटरेस्ट है, डिबेंचर जो लिया हुआ है उसके अगेंस्ट बिल्डिंग गिर भी है, बिल्डिंग की कीमत 6 लाख है, डिबेंचर की कीमत 5 लाख और इंटरेस्ट की 17,500। चलिए ये बातें अगर आपको याद हो गई हो रिपीट कर करके, तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। चलिए सर, सवाल में कहता है हमारे पास 7% डिबेंचर है, ध्यान दीजिएगा 7% डिबेंचर है और कीमत है उसकी 5 लाख, और एक बिल्डिंग है और उसकी कीमत है कितनी, और इस डिबेंचर होल्डर का ब्याज भी है, इंटरेस्ट भी है जो कि दिया नहीं है या दे दिया है, कौन बच्चा कहेगा दे दिया है नहीं दिया, 17,500 दे चुके हैं या नहीं दिया, बताओ कैसे पता चला नहीं दिया, क्योंकि ये लाइबिलिटी में शो हो रहा है, अगर दे दिया होता तो लाइबिलिटी में सवाल ही नहीं होता क्या आएगा, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन का जो पढ़ रहे हैं बड़ी बड़ी लंबी लंबी जो बातें कर रहा था क्वेश्चन, उसको पढ़ लेते हैं। कहता है डिबेंचर होल्डर, अब भैया मुझे बताओ डिबेंचर होल्डर का पैसा कितना है, यानी हम इसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर, इसको बोलेंगे डिबेंचर होल्डर, यानी टोटल पैसा जितना देना है। सवाल कहता है डिबेंचर होल्डर टेक अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी बुक वैल्यू 1,80। सर इसको सिक्योरिटी क्या था, डिबेंचर होल्डर को सिक्योरिटी क्या था, इसका एक हिस्सा लिया, इसने पूरा नहीं लिया। बोलता है जो ये डिबेंचर होल्डर बोलता है कि भैया मुझे इस लैंड एंड बिल्डिंग में एक चीज पसंद आ गई, एक हिस्सा, और वो हिस्सा जो था आपका 1,80,000 का था, हम इसको लेने जा रहे हैं, बोला उसको आप मत समझिए, उसको हम 2,50,000 में ले लेंगे, समझ रहे हो बात, यानी 1,80,000 का मैं बिल्डिंग का पार्ट लूंगा और 2,50,000 की लाइबिलिटी खत्म। तो यानी कहने का मतलब है सर, कहने का क्या मतलब है, थोड़ा और ऊपर किया जाए, ये नोट्स में दिक्कत देगा। डिबेंचर का कहने का मतलब है भैया डिबेंचर जो है मेरा वो 5 लाख का है, और 5 लाख में से ये 2,50,000 रुपए माफ, 2,50,000 रुपए आपके माफ हो गए, और इसके बदले हम आपसे क्या ले लेंगे, ये हिस्सा। अब आप डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो नुकसान फायदा, और इधर से भी देखो तो फायदा, फायदा तो एक ही गिनोगे ना, क्योंकि आपने बिल्डिंग को महंगे में 1,80,000 का सामान कितने में बेच दिया, एक तरीके से यही हो रहा है, कॉन्सेप्ट निकल रहा है। और इधर से सोचोगे तो आपको देना था 2,50,000, आपने 1,80,000 में निपटारा कर दिया, तो फायदा तो हो गया हमारा यहाँ पे। पहले ये वाली लाइन समझो जो यहां से यहां तक लाइन कह रहा है, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर क्लेम, इसके एंड के बाद सेंटेंस अलग है, पहले यहां तक देखो, दोबारा मैं समझाता हूँ। भैया मेरा 5 लाख का डिबेंचर था, सिक्योरिटी था, डिबेंचर होल्डर बोलते हैं भाई मैं एक काम करता हूँ, तेरा बिल्डिंग में से 1,80,000 का मैं ले लेता हूँ, और मैं अपना डिबेंचर 2,50,000 का छोड़ दूंगा, समझ में आई यहां तक बात। अब इसकी जर्नल एंट्री कर ले, हमारे पास से बिल्डिंग गया, हमारे पास से डिबेंचर भी गया, दोनों चीजें हुआ, इसकी जर्नल एंट्री सर, इसको और जगह चाहिए सर, इसकी जर्नल एंट्री, सर इसकी जर्नल एंट्री देखी जाए तो मेरा डिबेंचर 7%, 7% डिबेंचर सर, डिबेंचर अकाउंट सर कम हो गया, कितने का कम हुआ सर, और मेरा बिल्डिंग भी कम हो गया, कितने का सर, 1,80,000 का सर, फायदा हो गया। अगर ये एंट्री समझ में आ गया हो तो हम आगे चलें।
ये एंट्री समझ में आ गया हो तो आगे चले। और कुछ इसके अंदर ऐसा गणित नहीं है जो कि आपको समझ में ना आए, सीधी सीधी बात है यहां तो। समझ में आ गया यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़े, आगे लाइन पढ़ते हैं, रेड लाइन से पढ़ रहा हूं। एंड वेयर इशू फ्रेश 7% डिबेंचर, इसका मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी मीनिंग होता है इशू फ्रेश डिबेंचर, इसका मतलब नई डिबेंचर दे रहे हैं और हम डिबेंचर इशू करने लग रहे हैं विद फ्लोटिंग चार्ज ऑफ ऑल एसेट्स। जो आपके एसेट्स थे उसको गिरवी रख के, फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है गिरवी। इसमें दो चार्जेस होते हैं, हम डिबेंचर चैप्टर में पढ़ेंगे फ्लोटिंग चार्ज, और फ्लोटिंग चार्ज के अंदर भी दो पार्ट होता है, एक फिक्स होता है एक क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो हम वहां देखेंगे। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब समझिए गिरवी रख के, तो इसका कोई लेना देना है नहीं। ये वाली लाइन ना सिर्फ एग्जामिनर ना बच्चों को परेशान करने के लिए दे रहा है, तो इस लाइन का कोई मतलब निकलता नहीं है। तो कहता है भैया हम 7% डिबेंचर इशू करेंगे इन लियू ऑफ, मतलब हम डिबेंचर इशू करेंगे पेबल ऑफ इंटरेस्ट देम, मतलब इंटरेस्ट अब उसे देना नहीं है, डिबेंचर होल्डर को नहीं देना है इंटरेस्ट, और पेमेंट ऑफ एडिशनल कैश 10,000 और 1.5 लाख। मैंने बोला डिबेंचर होल्डर, ये है डिबेंचर होल्डर, अब समझना, ये है डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर बोलता है कि भाई मेरे को और डिबेंचर दे दे, तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई मैं तेरे को और डिबेंचर दे दूंगा। तो कंपनी इशू करने जा रही है इसको डिबेंचर, बोला ला पैसे दे, उसने बोला मेरे पैसे कितने बनते हैं डिबेंचर होल्डर के, मैंने समझाया डिबेंचर होल्डर तेरे 2.5 लाख तो बराबरी पे हो गए, और 2.5 लाख रुपए और तेरे को देने हैं, और ब्याज के 17,500 रुपए और देने हैं। अकायदे से देखा जाए तो तेरा पेमेंट कितना बन रहा है, 2,05,000, कितना बन रहा है 67,500, यही बच गया है तेरा, क्योंकि तू 2.5 लाख का बराबरी कर चुका है ना। तो भाई मैं, इसने बोला चल एक काम कर, डिबेंचर होल्डर क्या कहता है, मैं तुझे क्या करता हूं 1.5 लाख रुपए और दे रहा हूं, मैं तुझे 1.5 लाख रुपए पेड कर देता हूं। किसने कहा, ये कौन है भाई साहब? डिबेंचर होल्डर ने क्या कहा, मैं तुझे 1.5 लाख रुपए और पेड कर देता हूं। कंपनी बोला ठीक है मैं तुझे 1.5 लाख का डिबेंचर इशू करता हूं। बोला रुक जा, मेरा पहले कर्जा तू बोल रहा है ना 2,67,500 है, इंटरेस्ट को हटा के मेरा कर्जा बोल तू, यानी मेरा कर्जा तू 2.5 लाख ही रख, और 67,500 इस कैश में एडजस्टमेंट कर दे, यानी तू समझ, तू पहले मेरे 67,500 ला, 67,500 देगा तू, और मैं अपने 1.5 लाख मिलाऊंगा और तुझे दे दूंगा। एक तो ये हो सकता है, तो तेरे को कितना दूंगा मैं, 1,67,500, क्योंकि मैं डिबेंचर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर कंपनी से क्या मांग रहा है, ब्याज मांग रहा है, बोल रहा है भाई ब्याज दे मेरे पहले तू, फिर मैं हिसाब बताऊंगा तेरे को। अब कंपनी से अगर मैं ब्याज लूंगा तो कितना ब्याज लूंगा, 17,500 ब्याज आ गए मेरे पास, मैंने अपनी जेब से और निकाले कितने डाल दिए एडिशनल 1.5 लाख। अब मैं बोलूंगा अब तू इसके डिबेंचर दे दे, तो कितने का डिबेंचर मांग रहा हूं मैं उससे, 1,67,500, क्योंकि 1,50,000 तो मैंने अपने पॉकेट से मिलाया और 17,500 उससे मिले थे, ये हो गया। अब दूसरे तरीके से सोचो भाई, डिबेंचर होल्डर ने कंपनी से बोले देख 17,500 तेरे पास है मेरे, तेरे से लिए नहीं ना अभी, तेरे पास ऑलरेडी है 1.5 लाख रुपए और ले ले तू, तो अब बताओ कंपनी कितने का डिबेंचर इशू करेगा उसे, 1,67,500। कहानी ये है समझने वाली बात, क्या कहता है दोबारा पढ़ते हैं, कहता है फ्रेश इशू 7% डिबेंचर इन लियू ऑफ इंटरेस्ट पेबल देम, मतलब इंटरेस्ट जो देना था उसको नेट कर दो आप, लियू ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट टू डेम इन एडिशनल, यानी इंटरेस्ट वाले को पार्ट के छोड़ के और एक्स्ट्रा मैं तुम्हें दे रहा हूं 1.5 लाख। तो भैया तूने तो मुझे टोटल 1,67,500 ही दे दिए ना, तो अब मैं डिबेंचर जो इशू करूंगा वो डिबेंचर इशू करूंगा, मेरे पास बैंक में पैसा आएगा सर, बैंक में डिबेंचर इशू ऐसे ही होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा सर, 1.5 लाख आया बस, इसमें से मेरा इंटरेस्ट कैंसिल हो गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दो सर, कितना 17,000, और सर फ्रेश डिबेंचर आ गया 7% फ्रेश डिबेंचर, 7% फ्रेश डिबेंचर कितने,
ये देखिए, एक बार पढ़ लीजिए लाइन आप। देखिए मैंने दोनों तरफ से बता दिया, या पहले पैसा ले लो फिर बाद में दे दो उसको वापस, या पैसा नहीं ले रहे अगला पैसा दे रहे हैं। लाइन कहता है इन एडिशनल 50, यानी इंटरेस्ट इंटरेस्ट तुम रखो और एक्स्ट्रा ले लो 50, सिर्फ इंटरेस्ट बोला रखने को उसने। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर माने आपने बताया था इंटरेस्ट देना होगा, प्रेफरेंस शेयर में इंटरेस्ट कहां से आ गया? प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड होता है। क्लियर है? एक बार और बता दे, एक बार और बता दे। जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है? जर्नल एंट्री नहीं बताऊंगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं इसको आपके लिए, आप जर्नल एंट्री को बिल्कुल ध्यान ना दें, एकदम साफ साफ कर दिया। और ये एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। बाकी इस बार का एग्जाम जो है ना, वो तो एग्जाम का तैयारी एग्जाम के हिसाब से चलेंगे। अभी तो पहले मैं सिलेबस खत्म करने के पीछे लगा हूं। तो भैया हमारे पास डिबेंचर है 5 लाख का, और बिल्डिंग है 6 लाख का। सर अब डिबेंचर के दो टुकड़े हो गए, सर डिबेंचर के दो टुकड़े हो गए, एक 2.5 लाख रुपए, और बिल्डिंग के दो टुकड़े हो गए 1,80,000, और बाकी कितना बच गया? 4 लाख, और बाकी यहां डिबेंचर में बच गए 2.5 लाख। ये दोनों आपस में सेटल हो गए, और इस एंट्री की वजह से, इस सेटलमेंट की वजह से ये दोनों आपस में सेटल हो गए। कहां लिखा है सर ये दोनों सेटल हो गए? कहता है डिबेंचर होल्डर एग्री टेक ओवर द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ₹180, ₹250 सेटिस्फेक्शन दियर क्लेम। डिबेंचर होल्डर कहता है कि भैया तुम बिल्डिंग का मुझे 1,80,000 का हिस्सा दे दो, और मैं अपना 2.5 लाख रुपए डिबेंचर छोड़ने को तैयार हो गया। तो ये दोनों आपस में सेटल हो गए, तो इस सेटलमेंट की वजह से हमारा फायदा हुआ, और फायदा जो पहुंचा वो पहुंचा हमारा टोटल 70 का 80 का, 70,000 का, जिसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? हमारा डिबेंचर अकाउंट डेबिट, यानी 2.5 लाख का डिबेंचर कैंसिल, बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट 1,80 का बिल्डिंग क्रेडिट, और रिकंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन हमारा 70,000 रुपये का कैंसिल। समझ में आई बात? ये अगला पॉइंट कहता है डिबेंचर होल्डर, और बात चलती है किसके बीच में सर? बात चलती है कंपनी के बीच में, और बात चलती है डिबेंचर होल्डर के बीच में। डिबेंचर होल्डर क्या कहता है और कंपनी क्या कहता है? कंपनी कहता है तेरे डिबेंचर तो पड़े हुए हैं, अब तू ब्याज का बता क्या करना है। कौन कहता है? कंपनी। ब्याज का बता क्या करना है? डिबेंचर होल्डर कहता है रुक जा भाई, मैं समझाता हूँ क्या करना है। डिबेंचर होल्डर कहता है कि मुझे फ्रेश इशू कर दे, और जो एसेट्स फ्लोटेशन है, तो ये तो भाई डराने के लिए इसका कोई मतलब बनता नहीं। इन लियू ऑफ इंटरेस्ट बोलता है कि इंटरेस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड कर तू, और मेरे से 1.5 लाख ले ले, यानी मैं तुझे अभी 1.5 लाख रुपये नगद दे रहा हूँ, और तू ब्याज जो है उसी के अंदर जोड़ ले, और जो ब्याज पड़ा था और जो 1.5 लाख रुपये मैं नगद दे रहा हूँ, टोटल मिला के मुझे फ्रेश इशू कर दे। इसका मतलब सर 1,67,500 का फ्रेश इशू करना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास पैसा कितना आएगा? 1,67,500 का मैं फ्रेश इशू तो करूंगा, लेकिन वो पैसा मुझे कितना दे रहा है सर? पैसा तो सिर्फ 1.5 लाख ही दे रहा है, तो बैंक में आ गया 1.5 लाख, और वो इंटरेस्ट जो मेरा पहले से लाइबिलिटी बना हुआ था वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट क्या हो गया हमारा? डेबिट हो गया, और मैंने टोटल उसको डिबेंचर इशू कर दिया 1,67,500 रुपये का। क्लियर है? ठीक है, समझ में आए? अगले एडजस्टमेंट पे चलते हैं। अगले एडजस्टमेंट पे चला जाए, क्या कहता है एडजस्टमेंट में? द कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्लेम डैमेज पेंडिंग अगेंस्ट लॉ मेटरलाइज द फुल एक्सटेंट, हाउ एवर द कंपनी कुड रिकवर 40,000
दीज रिस्पॉन्सिबल सेटल बाय द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अगला तो कुछ नहीं है, द डायरेक्टर ऑफ द कन्वर्ट लोन इंटू इक्विटी, वो तो सिंपल सी बात है, डायरेक्टर का लोन। अब इसकी बात समझो, ये क्या कहना चाह रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है कहाँ लिखा है? ये रहा लिखा आपके नोट में, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इसका मतलब ये मेरे ऊपर बैलेंस शीट के अंदर इसलिए नहीं था क्योंकि ये अभी सस्पेंस में था कि देना है या नहीं देना है। लाइबिलिटी के अंदर वही पॉइंट आ सकता है जो कंफर्म हो जाए तुझे देना है, ठीक है ना। तो इसे बोला जाता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। कितने का है सर? 50,000 का। इसको समझते हैं, चलिए सर 50,000 का कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, इसको समझ लिया जाए क्या कहना चाह रहा है। आप ऐसे समझिए इसको, बड़ी सिंपल सी बात है ये। अरे मान लो एक कंपनी का ओनर, या मान लेते हैं ये वर्कर है, ये वर्कर है ध्यान रखना, और ये कंपनी है, ये है कंपनी, ठीक है, और ये है बैंक। थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी स्टोरी बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। ये कौन है? बैंक है। और हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? ये कलर कौन सा आ गया? अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं बताओ? बैंक के लिए करेंगे, एम्प्लॉय के लिए करेंगे, कंपनी के लिए करेंगे, या सबके लिए करेंगे? भैया सिर्फ और सिर्फ हम कंपनी के लिए करेंगे। मैंने बैंक से लिया लोन, और उस लोन मतलब बैंक से एक मैंने लैपटॉप फाइनेंस कराया, सपोज करो एक लैपटॉप, और वो लैपटॉप उठा के दे दिया मैंने इसको, किसको? अपने वर्कर को। और वर्कर ने ये लैपटॉप उठा के दे दिया फ्रेंड को। इस लैपटॉप की कीमत थी 50,000, ठीक है। अब कंपनी बैंक वालों को पैसे देगा, और ये लैपटॉप पे अधिकार किसका है? इसके वर्कर का है या कंपनी का है? कंपनी का अधिकार है, ऑब्वियस सी बात है। कल के दिन वर्कर बोलेगा मैं जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई लैपटॉप दे जा। अब इसके दोस्त ने ये लैपटॉप खो दिया, खो दिया, यानी बोल रहा है भाई मैं गया था लेके लैपटॉप, पता ही नहीं चला चोरी हो गया। अब ये कंपनी को बोलता है कि भैया लैपटॉप हो गया है चोरी, कंपनी बैंक को बोलता है लैपटॉप हो गया है चोरी, बैंक बोलता है मुझे उससे क्या लेना देना, मैं तो आपसे पैसे लूंगा, मुझे तो ये 50,000 रुपए का जो आपने लोन लिया था वो तो मैं आपसे पेमेंट लूंगा, क्या बैंक कहीं से गलत है? अब कंपनी को इसको 50,000 देने पड़ेंगे। अब कंपनी कहेगा मैं थोड़ी बैंक को भरूंगा, भाई तू ही भर बैंक को, तो क्या कंपनी गलत है? नहीं है। अब ये कहेगा मैं क्यों भरूं, मेरा दोस्त भरेगा, क्या ये गलत है? नहीं, सब अपनी जगह सही है, ठीक है। अब हुआ ये, कंपनी ने क्या करा भाई, कंपनी को एक डर भी है कि एम्प्लॉय अब भाग जाए, मैं ज्यादा प्रेशराइज करूंगा तो मुझे ही देना पड़ सकता है ये 50,000 रुपए। मैंने बोला एम्प्लॉय तू पैसे लेके आ, मुझे नहीं पता कहीं से भी लेके आ, और एम्प्लॉय बोला ठीक है मैं जा रहा हूं और चला गया। तो इसका मतलब भैया आए नहीं वो, तो फिर मेरी लाइबिलिटी बन गई वो तो, और अगर एम्प्लॉय वापस आ गया तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो यानी ये लाइबिलिटी कहीं ना कहीं अनसर्टेन है, तो मैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में शो नहीं करूंगा, मैं ये मान के चल रहा हूं मुझे एम्प्लॉय देगा और मैं जाकर बैंक वाले को दे दूंगा, तो मेरा ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो गया। कितने का? लेकिन जिस दिन ये भाग गया ये रियल लाइबिलिटी बन जाएगा 50,000। तो एक तरीके से मुझे बैंकर को पेमेंट करना पड़ेगा, बैंकर को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ सकता है। क्लास
तो हाँ जी भाई साहब, कहानी यहां तक थी कि पैसा देगा कौन। अब यहां पे कंपनी ने कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी बुक किया, कितने का सर? 50,000 का, यानी इसको पेमेंट करना है, और इधर इसको ऊपर भी लाइबिलिटी है। अब हुआ ऐसा, इसके दोस्त ने इसको दे दिए 40,000। अब इसने बोला सर अब इससे ज्यादा नहीं होगा, मैं तो 40 ही दूं, और इसको मजबूरन बैंक को कितना देना, ये क्या बोल सकता है ऐसा बैंक को कितना देना होगा? तो कहानी समझ में आ रही है। अब कंपनी एंट्री क्या करेगा, कंपनी का नुकसान कितने का? तो कंपनी बस 10,000 का कर देगा रिकंस्ट्रक्शन टू बैंक, समझना बात को। कंपनी एक एंट्री करेगा रिकंस्ट्रक्शन टू, क्योंकि मेरा रिकंस्ट्रक्शन नुकसान हो गया और बैंक से मुझे कितना पेमेंट करना पड़ गया। या फिर कंपनी ऐसे एंट्री कर सकता है कि मुझे पैसे मिले, तो क्या एंट्री करेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जिससे भी मिला मेरा कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, ठीक है, या एम्प्लॉय जिस वर्कर से मिला उसका नाम लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और फिर हम बैंक को पेमेंट करेंगे। तो बैंक को जब हम पेमेंट करना जाएंगे तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर क्रेडिट में 10,000 कम पड़ जाएंगे, और सॉरी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा हमारा 50, और टू बैंक, और जो कम पड़ेगा उसे कहाँ कंपनसेट कर देंगे, जो भी डिफरेंस आ रहा होगा रिकंस्ट्रक्शन। यानी मेरा कहानी समझाने का मतलब यही है कि भैया इसका एक अमाउंट लॉस हो गया 10,000 का, जो कि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, समझे बात? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहां तक कहानी समझ में आया क्या है? अगर ऐसा सिचुएशन आए तो कैसे टिकल करना है? इसके दो वे हैं, मैं कर ही देता हूं। पहला वे, सर मेरे पास बैंक में पैसा आएगा, और किससे आएगा सर? एम्प्लॉय से आएगा। कितने आएंगे सर? 40,000 आएंगे। दूसरा, मुझे मेरा बैंक वाले को पेमेंट करना है, सर कितना पेमेंट करना है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को? सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को करना है 50 का पेमेंट, जिसमें मैंने बैंक से कितना पेमेंट कर दिया सर उसको? पूरे 50 पेमेंट किए। अब इसके बाद देखा जाए, या फिर मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, पूरे पेमेंट हो गए, अब इन दोनों एंट्री की वजह से मेरा हो गया नुकसान। क्या हो गया नुकसान? रिकंस्ट्रक्शन, और रिकंस्ट्रक्शन किससे नुकसान हो गया? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी 50,000, 10,000 से। एक तो ये एंट्री बन जाता है यहाँ पे, समझिएगा, ये पैसा लेने का एंट्री है, ये पैसा देने का एंट्री है, और ये नेट में नुकसान को बुक करने का एंट्री है। इन तीनों एंट्री को जब मर्जिंग करेंगे तो एक ही एंट्री बनता है सर, रिकंस्ट्रक्शन और टू बैंक। देखिए बैंक से बैंक कट गया, बैंक क्रेडिट में बच गया कितना, ठीक है, एम्प्लॉय डेबिट है, इसको कॉन्टिंजेंट की कर देते हैं, एम्प्लॉय डेबिट कॉन्टिंजेंट, तो इससे कट जाएगा, तो रिकंस्ट्रक्शन डेबिट आ जाएगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा ये है। चलिए ये तो हमारा था एग्जाम्पल, अब हम आ जाते हैं रियल क्वेश्चन के ऊपर कि सर क्या करेंगे यहाँ पे, इतनी सारी बातें हैं तो क्या करना चाहिए। चलिए सर, चलिए, कहता है द कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी क्लेम पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ मेटरलाइजेशन फुल एक्सटेंट। कहता है जो कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी था, क्लेम था डैमेज के लिए, यहां डैमेज वाली बात आ गई, मीन्स किसी को देना पड़ रहा होगा डैमेज के लिए, कोर्ट लॉ में मेटरलाइज फुल एक्सटेंट, कोर्ट ने बोल दिया तू दे भाई इसको सारा, यानी जो मेरा ऊपर देखा था हमने कितने का था हमारा 50,000 का था कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, कोर्ट ने बोल दिया तू सारा दे। आगे कहता है हाउएवर कंपनी कुड रिकवर 40,000 दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल। कंपनी ने बोला मैं 50,000 देना पड़ रहा है तेरी वजह से, जो इस 50,000 के बदले रिस्पॉन्सिबल था तू मेरे को पैसे दे, यानी बैंक था, कंपनी को बैंक को देना पड़ा और कंपनी ने रिकवर कर लिया रिस्पॉन्सिबल पर्सन से। सेम यहां पे बोला भैया जो रिस्पॉन्सिबल है उससे मैंने कितना रिकवर कर लिया 40,000 सच डैमेज, सेटल रेस्ट बाय इशू ऑफ शेयर, और बाकी बोला भैया मैं तुम्हें शेयर दे देता हूं। यानी मैं जो 50,000 का पेमेंट करने गया उसको, तो 50,000 का पेमेंट करने का मतलब कौन था, डैमेज पेंडिंग या कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी? कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी सर, कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट कितना करना था सर? सर करना था 50, जिसमें से मैं बैंक से दे पाया कितना सर? बैंक से मात्र दे पाया 40, और बोला बदले में दे दो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर इसका एक और तरीके से कर लेते हैं, रुक जाइए रुक जाइए, या नेट करके कर दूं,
इसको नेट करके कर दूं क्या, दो एंट्री करके दिखाऊं? ये समझ में आ रहा है? लाइबिलिटी 50, बैंक से पेमेंट 40, और नहीं ये भी नहीं होना चाहिए क्योंकि पहले तो हमें बैंक से पैसा मिला है, तो पूरी डिटेल में चल लेते हैं। नंबर वन, हुआ क्या होगा? मेरे पास पैसा आया होगा, आया होगा बैंक टू, मान लेते हैं कॉन्टेंजेंट लाइबिलिटी का डैमेज लिख देता हूं, ये कॉन्टेंजेंट अच्छा नहीं लग रहा, डैमेज, बैंक टू डैमेज कितने आए मेरे पास? 40। अब यही डैमेज जो मेरे पर था वो डैमेज में दे दूं उसको, जिसको देना था मुझे, तो मैं क्या करूंगा, डैमेज कैंसिल हो गया और टू मेरे पास से बैंक से पैसा चला गया। मेरे ऊपर डैमेज का क्लेम कितना था? 50 का, 50 में से 40 का सेटलमेंट डन हो गया। मेरे पास पहले पैसे आए, वही पैसे उठा के दे दिए, और अल्टीमेटली देखोगे नॉकअप हो जाएगा ये एंट्री, तो कट जाएगा, जीरो बचेगा। अब मैं उसे 10,000 और दूंगा डैमेज का, तो मैंने बोला भैया फालतू मेरे जेब से जा रहे, तो मैं करूंगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट, और बदले में पैसे नहीं दे रहा मैं तुम्हें, क्या दे रहा हूँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितने रुपए चले जाएंगे? तो अल्टीमेटली आप अगर देखो तो इसका एंट्री सिर्फ क्या बनता है, एक एंट्री बनता है। लॉस बच्चे कह रहे हैं सर 50,000 रिकंस्ट्रक्शन में तो 50 आएगा, मान गया आपका 50,000 रुपए का लॉस है, 40 फायदा भी तो हुआ, नेट में लॉस 10 ही तो बचे। फायदा कहां से हुआ? क्योंकि रिकवर कर लिया मैंने। बताइए, पढ़ लीजिए एक बार, सर इक्विटी शेयर डेबिट नहीं होगा, इक्विटी शेयर हम इसको इशू करेंगे तो इशू करते टाइम पे क्रेडिट होता है हमेशा। मैं इसको फ्रेश इनटू एंट्री कर दूं काट पीट के, या ये भी हो जाएगा आप फ्रेश एंट्री में, सिर्फ मैं यही करता, मैंने कर दिया है, बाकी वीडियो आपको मिलेगा तो अपने हिसाब से अच्छे अच्छे साफ साफ राइटिंग में लिख लोगे आप। क्लियर, अगले पॉइंट पे आए, लास्ट वाले पॉइंट में दम ही नहीं है, कहता है कि डायरेक्टर के लोन को खत्म करके क्या दे दो, इक्विटी। तो एंट्री क्या बनेगा डायरेक्टर के लोन को खत्म करके? सर तीनों एंट्री लिखेंगे, तीनों एंट्री ना लिखें सिर्फ एक एंट्री लिखें तब भी बात बन जाएगी, और मैं तो हमेशा से बोल रहा हूं कि एक ही एंट्री लिखो, वो समझाने के लिए डिटेल में कि ये पैसा, नहीं तो मैं सिर्फ एक एंट्री कहता तो बच्चे पूछते सर 50 का क्या होगा, 40 का क्या होगा, तो मैंने 50 का, 40 का और 10 का सबका बता दिया। तब भी मैं तो बोल रहा हूं सिर्फ इसकी करो एंट्री। बच्चे बोल रहे हैं सर एक फ्रेश एंट्री कर दो, ये लो फ्रेश एंट्री, एक ही एंट्री करोगे। टू इक्विटी शेयर का ये है फ्रेश एंट्री, एक एंट्री काम खत्म। आप इतनी देर से आईपीएल देख रहे थे, पढ़ लो, नहीं तो जो आईपीएल देख रहे हो उसी से फिर आपका बन जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री, द डायरेक्टर एग्री टू कन्वर्ट लोन इनटू द इक्विटी शेयर, डायरेक्टर ने कन्वर्ट कर दिया लोन इनटू इक्विटी शेयर। सर डायरेक्टर का लोन भी था क्या बैलेंस शीट में, चेक कर लेते हैं। भाई आ जाओ नीचे, एक लाख दिखा, एक लाख का लोन है, देखो एक लाख का लोन, बोलता है इसको कन्वर्ट कर दो इक्विटी में, तो मेरे को इसको जीरो करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या होगा बताओ? लोन अकाउंट डेबिट टू, लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही कर दे, लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं ऐसे कर रहा हूं, आपको बिल्कुल साफ साफ करना है। मेरा एक सवाल है, आप बताइए बैलेंस
बैलेंस शीट बनाना है? नहीं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है। और वो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना दे आप, बना सकते हो, रिकंस्ट्रक्शन बन जाएगा ना। एक एंट्री और करना रह जाएगा, वो कौन से वाला? कैपिटल रिजर्व वाला, ठीक है ना, कैपिटल रिजर्व वाला रह जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े, ठीक है। बैलेंस शीट आप बना के देख ले, मैं तो कहूँगा सभी क्वेश्चंस की बैलेंस शीट बनाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मात्र।